यम डर प्यो जब दास कहायो, यम डर प्यो तब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, प्यारो लागे नाम राधा रानी को, मोहे प्यारो लागे नाम राधा रानी को, मोहे प्यारो लागे नाम राधा रानी को, मोहे प्यारो लागे नाम राधा
करे कृपा इस पान दुलारी रानी की जय महारानी की जय रानी की
राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, बोलो बरसाने पता नहीं क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है मुझको पीलिया हो गया आज। या तो मेरी नजर का दोष है। अच्छा, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णेभ्यो नमो नमः। यम प्रवजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपान विरह कातुराजवाः पुत्रेति तन्मेतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नष्टपरायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवयं भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुतपंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनो। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षै क्षिप्तस्य कामादितरंगमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा आज कथा का चतुर्थ दिवस। पूर्व प्रसंगों में भागवत जी की महिमा, सुखदेव गोस्वामी का आगमन और भगवान के गुण अवतार श्री शिव की महिमा को हम लोगों ने श्रवण किया। वो वाला बंद कर दो पंखा। और आज की कथा का मुख्य प्रसंग हमारा अवतारों के भी अवतारी जिनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं वह श्री कृष्ण जो सर्व अवतारी हैं, जिनको भागवत जी में कहा एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रानि व्याकुलम लोकम मृदंत युगे युगे। बोलते अन्य अन्य तो भगवान के अवतार हुए लेकिन फिर भगवान कौन हुए? भगवान एक होंगे के पांच होंगे के दस होंगे? भगवान तो एक ही होंगे। और बाकी फिर जो नरसिंह वामन वरा इत्यादि हैं, श्री नारायण ये कौन है? ये भगवान के अवतार हैं। आप कहेंगे आपने अपने मन से बनाया? नहीं, भागवत जी में ही ये श्लोक है जिसको कहा गया परिभाषिक श्लोक, मतलब मुकुट। मस्तक पर जो मुकुट आता है उसको सबसे श्रेष्ठ अंग माना जाता है। तो भागवत जी में कहा एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज उन्हीं स्वयं भगवान की चर्चा हम करेंगे। उनका क्या वैशिष्ट्य है, उनकी क्या महिमा है शास्त्रों के अनुसार और उनके कथन के अनुसार, आज हम इन पर थोड़ा दृष्टि करेंगे।
आशा करता हूँ आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अधिकांश हिंदू धर्म में समाज में ये माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हुए और इनमें जो विष्णु हैं इनसे समस्त अवतार निकलते हैं। यही सुनते आए बचपन से, टीवी में भी यही दिखाते हैं, लेकिन भागवत जी ये नहीं दिखाती। भागवत जी कुछ और दिखाती है। अब ध्यान से समझिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि भागवत जी साक्षी है, भागवत जी प्रमाण है सामने। टीवी की बात भूल जाओ और जो सब सुनते आए किससे सुना, कोई ऐसा बोनोफाइड सोर्स, प्रमाणिक कोई व्यक्ति जिससे सुना नहीं, बस समाज में चलता आया। अब प्रमाणिक बात को सुनो, प्रमाण क्या कहता है। श्री कृष्ण से बलदेव जी का प्रकट होता है, बलदेव जी से तीन विष्णु निकलते हैं। हम आपने तो पहले एक विष्णु सुन रखे थे, जबकि विष्णु हैं तीन। बलदेव जी से सबसे प्रथम जो विष्णु प्रकट होते हैं उनको कहते हैं कारुण्याकर विष्णु, महाविष्णु। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं। जब श्वास लेते हैं तो खरबों खरबों ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, उनके श्वास से भीतर चले जाते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो ऐसे खरबों ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाए। अब इतने घर बनाए, इतने ब्रह्मांड बनाए, उसकी रक्षा कौन करेगा? इन्हीं का ही कर्तव्य हो जाता है रक्षा करना। यही महाविष्णु कारुण्याकर विष्णु एक स्वरूप से समस्त ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और उनका नाम दिया गया गर्भदक्षाय विष्णु। इन्हीं गर्भदक्षाय विष्णु से सारे अवतार निकलते हैं, इन्हीं से। अब सारे ब्रह्मांड बन गए, ब्रह्मांड में सब जीव रहते हैं, ये थोड़ा बस इस पृथ्वी पे ही जीव है, सब जगह जीव है, समस्त ब्रह्मांडों में जीव है। और एक रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान हो गए, वो हैं शिरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा जी हमारे हृदय में बैठे हैं। उनका वास्तविक नाम है शिरोदक्षाय विष्णु। तो सारे अवतार इनसे निकलते हैं, लेकिन ये कहां से प्रकट होते हैं? बोलते हैं महाविष्णु से। महाविष्णु किससे प्रकट होते हैं? बलदेव जी से। बलदेव जी किससे? बोलते कृष्ण। इसलिए मूल जो आधार है वो कृष्ण है। ये बात मैं नहीं कह रहा है, ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब आप यदि पूछना तो ब्रह्मा जी से पूछो, वो तो पितामह है और वो तो सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। बोलते नरसिंह भी ईश्वर है, वरा भी ईश्वर है, वामन भी ईश्वर है, परशुराम जी ईश्वर है, राम जी भी ईश्वर है, लेकिन ईश्वरा परमा कृष्ण, परम ईश्वर कौन? ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परमा कृष्ण, वो कृष्ण है। रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। और है क्या? सर्व कारणम कारणम, सारे कारणों के कारण है, सबके कारण कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का कोई कारण नहीं। अब देखो मन की तो बात ये है, बहुत सारे भक्त सोच रहे होंगे
हाँ आप तो हरे कृष्णा वाले हो, आप तो बोलोगे ही कृष्ण भगवान है। भाई जो जिसका झूठा गाता है उसी का ही गुणगान गाता है। आप तो इनका ही भागवत करते हो, गीता सुनाते हो, इनका प्रसाद पाओगे तो आप तो बोलोगे यही महान है, होता है कि नहीं? ये मन में बात आ रही होगी, मैं स्कैन कर रहा हूं सबको। जबकि बात दूसरी है, हम इनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं इसलिए भगवान होंगे, हम इनको भगवान बनाने वाले हैं। बात यह है कि ये भगवान है इसलिए हम इनकी उपासना करते हैं, ना कि हम इनका नाम लेते हैं और ये भगवान बन गए, हम इनको भगवान बनाने वाले हैं। जबकि ये भगवान है इसलिए हम इनका नाम करते हैं। ये भागवत जी गीता में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह इसका प्रमाण है। कुछ सीख कर जाओ इस भागवत कथा से। पुराने जितना दिमाग में भरा पड़ा है उसको साफ करो और प्रमाणिक चीज को सीख कर जाओ, प्रमाणिक चीज को। अच्छा, ये तो शास्त्र की बात हो गई। गीता जी सबके घर में है? किस किसके घर में गीता जी? किसने बोली? राम जी ने? नहीं नहीं, गणेश जी ने बोली ना? नहीं, दुर्गा जी ने? किसने बोली गीता? चलो यहां तक तो सब आ गए। श्री कृष्ण ने गीता को कहा, और उस गीता में ये उसको बोलते हैं तर्जनी उंगली। ऐसे इस तर्जनी उंगली को यहां लगाकर कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता वजन्ते भाव बुद्धा भाव समन्विता। मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। आज तक कभी ये बात किसी ने कही? सोचकर देखो, कभी श्री राम जी ने कहा मैं सबका ईश्वर हूं? कभी हनुमान जी ने कहा मैं सबका ईश्वर हूं? कभी दुर्गा जी ने कहा मैं सबकी ईश्वरी हूं? कभी गणेश जी ने कहा मैं सबका ईश्वर हूं? एकमात्र यदि किसी ने ये बात कही है खुले खुले सबके सामने, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खुलकर कहा, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं और सब मुझसे प्रकट होते हैं। और ये नहीं कि इन्होंने भाषण दिया, इन्होंने करके भी दिखलाया। कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपना विराट रूप दिखलाया, बताओ कौन है? किसी और ने विराट रूप दिखलाया आज तक? तो जो कहा वो करके दिखलाया, सारे जगत के सामने विराट रूप दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखो सब मुझसे प्रकट हैं भाई। अब हमारे भारत में समस्या ये है, जो अपने आप को कह रहा मैं ईश्वर हूं उसको ईश्वर ना मान के जो नहीं कह रहा उसको ईश्वर मान। कोई पीपल के पेड़ को ईश्वर मान लेता है, कोई चींटियों को ईश्वर मान लेता है, जिसकी जो मन आई जो लहर आए उसी को ईश्वर। ऐसे नहीं होता ना। इसलिए देखो माताओं, आप मेरे से बड़े हो, मैं तो आपको छोटा हूं, कुछ सीख कर जाना, खाली हाथ नहीं जाना। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, कुछ सिखा कर भेजूंगा। जो अपने आप को कह रहा है मैं भगवान हूं उसको भगवान नहीं मानोगे क्या? और जिसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा उसको भगवान मानोगे तो क्या होगा? इसलिए 340 साल बीत जाते हैं पूजा करते करते करते, कुछ हासिल ही नहीं होता, क्योंकि उसका तरीका ही ठीक नहीं है। आप कहोगे कि कैसे भाई, भावना का खेल है, भगवान तो भावना ले लेते हैं ना। बात ठीक है, तो मेरी भी एक भावना है, जैसे आप लोग हमको घर में बुलाकर निमंत्रण में प्रसाद खिलाते हैं, कल मैं भी आश्रम में आप सबको बुलाकर प्रसाद खिलाऊंगा, अपनी भावना से बनाऊंगा।
और क्या करूंगा, कढ़ाई में पहले पानी भर दूंगा, फिर उसमें छौंक लगाऊंगा, है ना, घी डालकर अदरक टमाटर डाल के छौंक लगाऊंगा, फिर उसमें सब्जी डाल दूंगा, सब्जी बन जाएगी, वही जो बनेगी आप लोगों को खिला दूंगा, खाएंगे? ऐसे बनती सब्जी? देखो माताएं मेरे पे हंस रही हैं सारी, कहते हैं कितना मूर्ख है ये। हाँ, कहेंगे बच्चा कैसा पागल वाली बातें कर रहा है, चीजें तो सारी वही सुना दी मैंने, इतना सब ही लगता है ना। ये अन्नपूर्णा माता तो अच्छे से जानती, सामान तो ये लगेगा, कढ़ाई भी लगेगी, पानी भी लगेगा, सब्जी भी चाहिए, तड़का भी चाहिए, घी छौंक सब चाहिए, लेकिन तरीका है। बिना तरीके के उल्टा पुल्टा करेंगे तो सब गुड़ गोबर, और तरीके से बनाए जाए। माता ने मेरे को कहा एक बार 25-30 साल पुरानी बात, अरे बच्चे पागल है, पानी निकाल पहले कढ़ाई से, कढ़ाई को सुखा दे। मैं कहा सुखा दे तो सब्जी कैसे बनेगी? अरे पानी बाद में डालते हैं, पहले घी डालो, फिर जीरा डालो, फिर टमाटर डालो, फिर सब्जी डालो, फिर पानी डालो, ऐसे ही बनती है ना भाई, मैं तो अंदाजा लगाया एक, तब सब्जी बनती है ना अच्छी स्वादिष्ट। मैंने कहा वही काम तो मैं पहले कर रहा था। नहीं नहीं बेटा, पानी पहले नहीं डालते, बाद में डालते हैं, सब्जी बनाने का तरीका होता है, होता है कि नहीं? ऐसे ही पूजा पाठ भक्ति करने का भी एक तरीका होता है, अपने मन से नहीं होता, मन से तो आप बना भी नहीं सकते, मन से खा भी नहीं सकते, मन का क्या अस्तित्व है? इसलिए प्रमाणिक रूप में यदि थोड़े दिन भी भगवान का नाम किया जाता है ना, अनुभूति होती है, मन प्रसन्न होता है, और मन से करते करते कुछ भी नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति आकर, जो बहुत गीता पढ़ते थे, ध्यान से सुनना, बहुत बार गीता पढ़ते थे, और हमारे गुरुजी के पास आकर कहने लगे, मैं भगवान के वचन को बिल्कुल नहीं मानता, झूठ बोलते हैं आपके भगवान। बोलते क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? गीता जी में भगवान ने कहा, किसने? कृष्ण ने कहा, अनन्यश्चिन्त्यो माम जे जना परि उपासते तेषम नित्य भुक्ता नाम योक्षेम वहाम्यहम्। मतलब क्या? कोई यहां पर लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं? है ना, ऐसा हाथ और दिया दिखाते हैं और क्या लिखा होता है? योग क्षेम वहाम्यहम्, होता है ना। भगवान ने संकल्प दिया, जो मेरी अनन्य भक्ति करेगा उसका जितना अभाव वो मैं दूर करूंगा, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। ये व्यक्ति बड़ा परेशान गुरुजी के पास आया, मैं गीता के इस वचन को नहीं मानता। बोलते क्यों? बोलते मेरे अभाव को भगवान ने दूर नहीं किया। बोलते अच्छा, आप कृष्ण को मानते हो? बोलते हाँ, रोज सुबह मंदिर जाता हूं, शिव जी को जल चढ़ाता हूं, दुर्गा जी को चुन्नी चढ़ाता हूं, गणेश जी के सामने लड्डू रखता हूं, और हनुमान जी को बूंदी उनके मुंह में ठूसता हूं, अभी मंगल को, रोज सुबह मैं ये सब करता हूं, फिर राम जी को भी प्रणाम करता हूं, फिर राधा कृष्ण आते हैं उनको चरणों में तुलसी देता हूं, तो मैं तो देखो अनन्य भक्ति कर रहा हूं, फिर मेरा अभाव भगवान ने दूर क्यों नहीं किया? तो गुरुजी ने कहा, अनन्य भक्ति का मतलब समझते हो? अनन्य भक्ति क्या होती है? एक निष्ठ होने पर, भगवान को भगवान मानने पर, यदि उसमें पूजा में
उपासना में जहाँ थोड़ी सी शाखाएं निकल गई, इधर उधर हो गया, वो फिर वन पॉइंटेड या फिर वो कहें अनन्य भक्ति नहीं होती। तुम वहां उनके पास भी जा रहे हो, उनके पास भी जा रहे हो, उनके, अरे भाई कोई कहेगा सब तो ईश्वर का ही स्वरूप है ना। यहां तक भी सुनने में आता है समाज में, हम आप भी ईश्वर के स्वरूप है ना, ईश्वर के दास तक तो ठीक है, लेकिन आप कहोगे हम सारे ईश्वर स्वरूप हैं, फिर मंदिर में जाने की जरूरत है नहीं, मेरी पत्नी भी ईश्वर है, मेरा पति भी ईश्वर है, फिर तो सांप भी ईश्वर है, सांप को गले लगाओ, सामने शेर आ जाए, अरे ईश्वर तू भी ईश्वर का ही स्वरूप है, तो शेर को भोग लगाओ, शेर अच्छे से भोग लगा लेगा। इसको बोलते हैं मन माने ढंग से, जो मन में आ गया बस वैसे विचार कर लिया, नहीं जी, प्रमाणिक रूप में देखा जाता है। एक ब्राह्मण था बेचारा, बड़ा निर्धन। अच्छा बात यह है, इतिहास में पुराणों में जहां पर ब्राह्मण की बात आती है तो ये लिखा जाता है एक निर्धन ब्राह्मण, यहां धनी धनी ब्राह्मण भी बैठे हैं भाई, हाँ? तो सच में एक निर्धन ब्राह्मण बेचारे, उसके घर में कुछ नहीं था, बड़ा भजन करता था, पत्नी के साथ ब्राह्मणी के साथ रहता, खाने पीने को ज्यादा कुछ आता नहीं, बाहर भिक्षा करके आता, कुछ नहीं उसके पास। एक दिन गीता पढ़ रहा था, भगवान का ये श्लोक देख लिया, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसके अभाव को मैं पूरा करता हूं। सिर पीटने लगा, भगवान मेरे को आपकी बात पे विश्वास नहीं। एक कलम ली और उस श्लोक के ऊपर लकीरें मार दी, मेरा आज तक आपने अभाव दूर नहीं किया। ये बोलकर ब्राह्मणी से कहने लगा थोड़ा कुछ चुप बना ले, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं। जब नदी में स्नान करने गए, पीछे से एक छोटा सा बालक अपने सिर पे एक भारी टोकरी सामान लदा हुआ है, वो टोकरी लेकर सिर पर, और बोला माता दरवाजा खोल दे, माता दरवाजा खोल दे, देख बहुत भार उठा रखा है, अरे जल्दी आ। ये दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला, अरे बच्चे ये कौन, बड़ा सुंदर एक छोटा सा श्याम सलोना बालक, सिर पे इतने भारी मटकी, ये टोकरी। बोलते देख क्या रही है, सामान उतार। बोलते बेटा कहाँ आया तू, अरे ये ब्राह्मण का ही घर है ना। बोलते हाँ हाँ, तो उन्होंने ये सामान भेजा। बोलते बेटा इतना सामान हमने जीवन में आज तक नहीं देखा, कोई और ब्राह्मण के यहाँ जाना होगा। बोलते नहीं, उन्होंने कहा था यही छोड़ के आना, इतना भारी सिर पे लाद दिया, और मैं कह रहा था इतना नहीं उठा पाऊंगा, देख मेरी पीठ पर कितना मारा उसने, पीठ दिखलाई, मारने के जैसे बैंत मारते हैं ना, तीन लकीरें पड़ी हुई थी पीठ पर, जल्दी उतार। ब्राह्मणी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, सामान उतार कर अंदर रखा। बोलते बेटा आजा अंदर। नहीं नहीं मैं तो चला, ये ब्राह्मण आकर फिर मेरे को मारेंगे, ये मेरे को बहुत मारते हैं, मैं जा रहा हूं। जब ब्राह्मण आए तो देखा आज तो बड़ी सुगंधी आ रही है रसोई में से, बड़े पकवान बन रहे हैं, पूरा रसोई घर भर गया सामग्री से, सब कुछ भर गया। ब्राह्मणी आकर लड़ने लगी, बोलते कैसे हो आप, एक छोटा बच्चा सामान नहीं उठा सकता, उसको इतना मारा जाता है क्या, आपको क्या हो गया, आप चिड़चिड़े हो गए क्या, खाने को नहीं मिलता इसलिए क्रोध में रहते हो क्या। ब्राह्मण ने कहा क्या बोले जा रही हो, क्या बके जा रही है। बोलते देखो अभी अभी बालक आया था, ये सारा सामान देकर गया। बोलते मैं उठाना नहीं चाहता था, ब्राह्मण ने खूब मारा मेरे को, आंखों में आंसू आ गए, बात समझ आने लगी।
जिस आसन पर बैठकर गीता पढ़ते थे, गीता खोलकर देखी तो वो जो तीन लकीरें खींच कर गए थे वो वहां से हट गई। स्वयं भगवान आए इस बात को साबित करने के लिए कि तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं और तूने उस श्लोक पर लकीरें खींच दी। वो लकीरें नहीं, मैंने पीठ पर उसको अपना वार समझा। देख सारा सामान लेकर तेरे घर में आया, इसलिए अनन्य भावेना ये है थोड़ा सा तत्व। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा, ये कौन से युग में आते हैं? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आते हैं। हर द्वापर में नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ये हमारे जैसा नहीं। अभी सुबह 6 बजे थे, अभी शाम को 6 बज गए, पता नहीं लगा दिन कहां बीत गया। एक चींटी के लिए दिन कितना बड़ा होगा, एक मच्छर के लिए एक दिन इतना बड़ा होगा और एक समाप्त ही नहीं हो रहा, और हम आपके लिए ये ऐसे बीत गया पता ही नहीं लगा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा, ध्यान से सुनो। सुनना चाहेंगे? तो चार युगों का नाम तो सुन रखा है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चार युग जब 71 बार बीतते हैं, कितनी बार, जिसको हिंदी नहीं आती, 71 times, 71 बार जब चार युग बीतते हैं तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। क्या कहते हैं? जब 14 ऐसे मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, सिर्फ दिन दिन, और इतनी बड़ी उनकी रात। फिर से सुन लो, चार युग 71 बार बीतते हैं, 71 बार, तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं 14 बार, तो इतना 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के बस। इसलिए कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। अभी द्वापर में आए 5000 साल पहले, सिर्फ 5000 साल बीते अभी वो कृष्ण आए। अब पता कब आएंगे? ब्रह्मा जी के अगले दिन में आएंगे, मतलब खरबों खरबों युगों के बाद आएंगे। हम लोग कितने सौभाग्यशाली, श्री कृष्ण अभी आए। लेकिन इनके आने का कारण क्या है? आज की कथा पूरी श्री कृष्ण पर। ये किस लिए आते हैं? इनके आने के दो कारण हैं, एक मुख्य कारण है, एक गौण कारण है। मुख्य गौण समझते हैं, जैसे माता बाहर सब्जी खरीदने जाए, चलो आज सब्जी खरीदते हैं, रास्ते में केमिस्ट दवाई की दुकान भी मिल गई, ओ अच्छा, वो गले की दवाई भी लेनी थी वो भी ले लेते हैं, घर से निकले क्या लेने, ये है मुख्य कारण। और बीच में दवाई वाला मिल गया तो वो हो गया क्या, बस। भागवत में भी मुख्य और गौण होता है। कोई भागवत जी में मुख्य कारण इसलिए आता है कि मैं कथा सुनूंगा, सीख कर जाऊंगा, और गौण कारण क्या, कहीं भी जगह मिल जाएगी कोने में बैठ जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो खड़े खड़े सुन लूंगा, लेकिन सीख कर जाऊंगा। और किसी किसी का भागवत जी में मुख्य कारण होता है भंडारा बड़ा स्वाद होता है, चलो उसी आड़ में कथा भी सुन लूंगा, वो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि भगवान का प्रसाद दो रूपों में आ रहा है, एक तो मुंह में खाने वाला और एक कानों में सुनने वाला, ये भी भगवान का प्रसाद है। और ये प्रसाद कौन दे रहा है? श्री शुक उवाचा, शुकदेव गोस्वामी जी ये बांट रहे हैं भगवान का प्रसाद। तो ऐसे भगवान के आने के एक मुख्य कारण, एक गौण कारण। मुख्य गौण कारण क्या है, पहले गौण सुन लेते हैं, मतलब दूसरा कारण। गौण कारण ये है
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानी होती है, मैं आकर धर्म की स्थापना करता हूँ और अधर्म को नाश करता हूँ। ये तो सबने सुन रखा, ये आने का गौण कारण है। जब जब धर्म की ग्लानी होती, मैं आकर धर्म को स्थापित करता हूँ। और दूसरा कारण गौण, परित्रनाय साधुना विनाश दुष्कृतम। साधु को परित्राण करने के लिए और जो दुष्कृत हैं, जो असुर हैं, उनको मारने के लिए मैं आता हूं। ये भगवान के आने का बड़ा छोटा सा कारण है, इतना सा रत्ती भर कारण है। इसको आने के लिए भगवान को नहीं आना पड़ता। असुरों को मारना है, किसी भेज देंगे अवतारों को, जाओ भैया नरसिंह वामन वरा जाओ मार के आ जाओ। कौन सी बड़ी बात है। धर्म की स्थापना करनी है, अपने आचार्यों को भेज देंगे, जाओ धर्म की स्थापना करो, है ना। तो फिर इनके आने का मुख्य कारण क्या है। हाँ, अब ये सुनो, आसान भाषा में समझाऊं कि मुश्किल भाषा में। चलो ठीक है, जो आपका आदेश। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए बैठा। आप कहेंगे क्या सेवा, इतना ऊंचा बिठा दिया आपको, इतना ऊंचे बैठ के सेवा होती है। हाँ जी होती है। आप कभी जगन्नाथपुरी गए, गरुड़ जी कहां बैठते हैं, भगवान के चरणों में कि भगवान के मस्तक पर। हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठते हैं और गरुड़ जी का स्थान भगवान से ऊपर होता है। वो क्या है, वाहक है ना। देखो वहां गरुड़ स्तंभ ऊंचा होता है, तो ऊंचे और नीचे की बात नहीं, सेवा की बात है। आप बोलेंगे आप तो ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिए भैया, हमको नीचे जमीन पर बिठा दिए, है ना। लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार। आप सारे जमींदार, और ऊपर बैठे ये है सेवक। इससे बढ़कर और कोई सेवा हो सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान, भागवत जी की कथा और भक्ति की प्रेरणा, ये तो कहीं बिक नहीं सकती भाई, किसी मॉल में किसी दुकान पे ये नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए हम सब एक दूसरे की ही सेवा कर रहे हैं। कृष्ण के आने का मुख्य कारण क्या, कहते हैं प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारन। आसान भाषा में, गर्मियों की छुट्टी होती है तो पिता सोचता है पत्नी और बच्चों को लेकर घूमने चलते हैं, शिमला घूमने चलते हैं, हिल स्टेशन। क्यों जाते हैं भाई घूमने, वेकेशन है, छुट्टियां हैं, जाते हैं कि नहीं जाते। तो घर में आनंद और सुख कम होता है कि बाहर जाके सुख लोगे। घर में क्या लड़ते रहते हो कि बाहर जाके सुख मिलेगा। क्यों जाते घूमने, थोड़ा सा चेंज, मतलब जो घर में नहीं करते बाहर जाके करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, साइट सीन देखेंगे, यही तो। तीन चार दिन बाद फिर लौट आते हैं। अपने परिवार के साथ ही जाया जाता है उनको सुख देने के लिए। घर के जो पति है देखता है मेरी पत्नी कितनी सुखी हो रही है, मेरे बच्चे कितने सुखी हैं, उस सुख को देख के उसको भी क्या लगता है, सुख लगता है, समझते हैं। लेकिन जो वहां हिल स्टेशन वाले हैं उनको क्या लाभ होता है, उनको बिजनेस मिल जाता है, आमदन हो जाती है। बस ये आसान तरीका है समझाने का। उसी प्रकार श्री कृष्ण रहते हैं नित्य धाम गोलोक वृंदावन में और अपने ही परिवार को लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। ये निकट में ही वृंदावन 140 किलोमीटर, अपने परिवार को लेकर आकर छुट्टियां मनाने आते हैं। क्यों प्रभु, आपके नित्य धाम में कोई सुख का अभाव था,
कि सुख लेने आप यहाँ आते हो, बोलते बात वो नहीं, यहाँ पर आकर हम वो सब करेंगे जो उस नित्य धाम में नहीं करते, है ना? क्या करते? माखन की चोरी, घर घर में जाकर माखन की चोरी करना, रास इत्यादि करना, और भी बहुत सी बातें हैं। मैं आसान से आसान कहने का प्रयास कर रहा हूं, गोलोक में भी जो लीला नहीं होती वो लीला इस वृंदावन में होती है। इसलिए संत लोग कभी कहते हैं भाई हमको गोलोक जाने की आवश्यकता नहीं, हम इसी ब्रज की धूल में पड़े रहें। जन्म जन्म मोह दीजियो, बस यहीं पर पड़े रहें, क्योंकि यहीं पर आकर भगवान ने अपनी लीला को विस्तार किया है। ये है इनके आने का मुख्य कारण, अपने परिकर, अपने परिवार को सुख देना और उनके सुख से फिर सुख लेना, ये भगवान के आने का कारण है। समझ आई बात? अच्छा, और अवतारों में जो जो काम अधूरे रह गए वो सारे काम कृष्ण लीला में पूरे हुए। अब सुन लो ध्यान से, राम जी की लीला हुई, राम जी की लीला में कुछ काम अधूरे रह गए जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा के कारण पूर्ण नहीं कर पाए। क्या काम? जैसे उदाहरण के रूप में ले लो, कहते हैं राम जी ने सीता को त्याग दिया। राम जी ने सीता को त्यागा था, हाँ के नहीं? अरे हाँ कहो या ना कहो, अब तो भाई दोनों लगा लो, ऐसे नहीं। राम जी ने सीता जी को नहीं त्यागा, राजा राम ने सीता जी को त्यागा था। जब राम जी राजा के रूप में हैं तो सीता जी को त्यागा, राम जी ने कभी नहीं त्यागा, हृदय में सब समय सीता जी को बसा कर रखा, और सीते सीते कह के राम जी रोते हैं, इसलिए राम जी ने नहीं त्यागा। राजा के रूप में प्रजा के कारण, अपवाद के कारण सीता जी को छोड़ना पड़ा। अब गुरु वशिष्ठ जी आए, एक दिन गुरु वशिष्ठ जी आए और कहने लगे राम यज्ञ करने हैं कुछ। राम जी ने कहा किस कारण से? बोते समाज लोक के कारण कुछ यज्ञ करने हैं। तो राम जी ने कहा गुरुजी जैसा आप कहो यज्ञ हम करते हैं, लेकिन राम यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब पत्नी साथ बैठती है, तुम सीता को वापस ले आओ। राम जी ने कहा गुरुजी ये तो संभव पर नहीं है। आज बैठी बोलते ये तो संभव नहीं है गुरुजी, सीता को तो मैं वापस नहीं ला सकता। अच्छा कोई और विकल्प हो तो बताओ, सब लोग सुन रहे हो ना ध्यान से, तो एक काम करो राम, एक और विवाह कर लो, क्षत्रिय बहुत सारे विवाह कर सकता है। राम जी ने कहा गुरुजी वो तो संभव नहीं, मैंने संकल्प लिया है एक पत्नी व्रत, सीता को छोड़कर मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, किसी को नहीं। तो विवाह भी नहीं करोगे, सीता को वापस भी नहीं लाओगे, तो कि यज्ञ कैसे होगा? बोलते गुरुजी सारे रास्ते आप बताएंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा तो ठीक है राम, सोने की सीता बनाई जाए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो तुम्हारे बाएं अंग में रखी जाएंगी और फिर यज्ञ होगा। राम जी ने कहा हाँ ये हो सकता है। समझ आ रही बात? तो हर वर्ष यज्ञ होता और हर वर्ष एक स्वर्ण सीता को बनाया जाता और उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती। अब वो मूर्ति नहीं है, उनमें प्राण है, वो मूर्ति नहीं उनमें प्राण है। जैसे अगर आप वृंदावन जाओ, कौन कौन वृंदावन जाता है बताओ, तो वृंदावन दुकानों में देखते हैं मूर्ति बेचते हैं जब वो लोग, कितनी सारी मूर्तियां दुकान पे होती है ना शोकेस में,
अब कभी देखो वो मूर्ति बनाते कैसे हैं, कभी ध्यान से देखा, देखना अगली बार कभी वो बना रहा हो आपके सामने दुकानदार, पैर में अड़ाकर हथौड़ी और छेने से उनकी आंख बनाना, नाक बनाना, ऐसे पैर में अड़ाकर ऐसे ऐसे बनाते हैं। अरे भगवान जी को पैर लगाता है, अरे अभी भगवान जी नहीं है, अभी पीतल है, उसकी एक शेप बनाई है और शोकेस में कितने सारे गोपाल जी को बेच रहा है, और उसी दुकान में अपने गोपाल जी की भी पूजा करता है, वो स्वयं उसने बनाई, होता क्या नहीं, दुकान खोलता है गोपाल जी की पूजा करता है, उसने बनाई, कैसे बनाई, पैर लगाकर बनाई, लेकिन जब गोपाल जी को अपनी दुकान के मंदिर में स्थापित कर दिया, अपने घर में स्थापित कर दिया, अब उनको कभी पैर नहीं लगाएगा। आप अपने गोपाल जी को ले जाओ, भैया इसकी थोड़ी सी आंखें ठीक कर दो, कभी पांव नहीं लगाएगा, लेकिन खरीदी तो उसी दुकान से थी, तब तो पांव लगाया था, बोलते उस समय सब थी मूर्तियां, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तब ये मूर्ति नहीं रही, ये साक्षात गोपाल जी, साक्षात कृष्ण रहे, ये फिर पीतल नहीं है। और इनको कोई प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीतल और मार्बल और लकड़ी मान ले तो समझ लो नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया भाई। समझ रहे हैं? सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, अब जब यज्ञ पूरे हो गए, चारों तरफ स्वर्ण सीता हो गई, अब सारी स्वर्ण सीता कहने लगी राम हमको स्वीकार कीजिए। राम जी तो डर गए, बात तो सही है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और है तो सीता जी, इनके कारण यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन राम जी का वचन जो मर्यादा नहीं, मैं एक सीता को छोड़कर मूर्तियों को भी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन उन सबकी भावना का क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से। अब उन सारी स्वर्ण सीता जो मूर्तियां बनी, उनकी भावना क्या क्या होगा, उनके अंदर प्राण है, वो मूर्ति नहीं है। और राम जी अपने वचन के पक्के हैं, मर्यादा के पक्के हैं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता तुम सबको, बस एक ही सीता को स्वीकार करूंगा। अब उनकी भावना को क्या होगा, भगवान कभी किसी की भावना को ठुकरा नहीं कर सकते, वो वचनबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, किसी की भावना को ठुकरा नहीं सकते। तो फिर कैसे इसका सामंजस्य होगा, वो जितनी स्वर्ण सीताएं हैं वो सारी की सारी गोपियां बनकर आई, जिनको राम नहीं श्याम ने स्वीकार किया, वही राम और वही श्याम। समझ आया? जब राम जी वन में थे, ये दूसरा उदाहरण सुन लो, जब राम जी वन में थे दंड करने में, हजारों की तादाद में ऋषि बैठकर एक मंत्र का जाप कर रहे थे, जानते कौन सा मंत्र, गोपाल मंत्र। इतना शक्तिशाली मंत्र है, आप यदि जप करो थोड़े दिन में आपको अनुभूति हो जाएगी, सच में भगवान के साथ मेरा संबंध जुड़ गया, सच में अब मैं साधारण नहीं रहा, बहुत बड़ा मंत्र है गोपाल मंत्र। लेकिन ये मंत्र ऐसे वैसे नहीं दिया जाता, ये गुरु जी से लिया जाता है, कुछ नियम कानून पालन करते हुए। क्या नियम कानून? मांस मछली अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, ये सब। इन नियमों को, जो चार नियमों को पालन करता है उसको ये गोपाल मंत्र दिया जाता है, सीधे कान में गुरु जी से उस मंत्र को लिया जाता है। क्यों सीधे कान में? क्योंकि सीधे कान में सारे तीर्थों का वास होता है, इसलिए ब्राह्मण यदि कोई लघु शंका में जाते हैं तो देखता जनऊ ऐसे कान में डालते हैं। क्यों? सीधे कान में सारे तीर्थ हैं। और अभी हम जा रहे हैं अपवित्र स्थान पर लघु शंका के लिए, तो कान में उसको लगाया जाता है कि जनेऊ पवित्र रहे। ये गोपाल मंत्र हमको इस जगत से उस जगत तक यात्रा एकदम ऐसे जैसे एकदम पहुंचा देता है, और इसी मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगता है, इसी मंत्र से। आपको दिया ना,
जहां पर शनिवार का प्रोग्राम होता है आप उसी गोपाल मंत्र से भोग लगाया करो। ये निश्चित है, जो गोपाल मंत्र से भगवान को भोग लगाता है वो संकल्पबद्ध है, उनको स्वीकार करना ही पड़ता है। बद्ध है, इतना शक्तिशाली। यही गोपाल मंत्र श्री कृष्ण ने सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी को दिया और इसी मंत्र को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की है। इतना शक्तिशाली मंत्र, जिसको आध्यात्मिक जगत में सारे लोग जप करते हैं, बड़े बड़े लोग। और जब हम जप करते हैं तो अध्यात्म के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। अब वो तो अनुभूति की बात है, जो उस कनेक्शन को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा इसका कोई कठिनाई नहीं है। ये मंत्र बोला नहीं जाता, मन ही मन में जप किया जाता है। सिर्फ 10 मिनट दिन में, सिर्फ 30 बार दिन में, बस इससे ज्यादा नहीं। सुबह और संध्या के समय में बस नियम यही है, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, मांस मछली अंडा नहीं। अगर इसके लिए कोई ये नहीं करता तो आप अधिकारी हो, आप प्राप्त कर सकते हो। इतना महत्व है इस गोपाल मंत्र का। राम जी के युग में कौन सा युग है? त्रेता युग। उस त्रेता युग में दंड करने में जब राम जी वन में गए ना, ये हजारों ऋषि सुबह से रात तक इस गोपाल मंत्र को जप कर रहे हैं। सुबह से रात तक गोपाल मंत्र को जप कर रहे हैं। आप कहेंगे अभी तो गोपाल का जन्म नहीं हुआ, तो राम जी की लीला में गोपाल कहां से आ गए? उस विषय को मैं अभी बताऊंगा। मगर आप ऐसा, हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनका जन्म हुआ फिर ये मर जाते हैं? भगवान मरते हैं? ये सनातन हैं, ये नित्य हैं। उन राम जी की लीला में उस त्रेता युग में, अच्छा त्रेता की तो बात छोड़ दो, त्रेता से पहले क्या आता है? कौन सा युग? सतयुग। ध्रुव जी की कथा जो भागवत जी में आती है वो कौन से युग की है? सतयुग की कथा है, समझते हैं? ध्रुव जी को नारद जी से कौन सा मंत्र मिला था जो वन में जाके तपस्या की ध्रुव जी ने? सतयुग की बात है, सबको पता है। ओम नमो भगवते। अब बताओ सतयुग में वासुदेव कहां से आ गए? यदि कहें द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ और युगों में भगवान नहीं थे, फिर ये मंत्र कहां से आ गया सतयुग में? ध्रुव जी को मिला नहीं, और इस मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। हुआ क्या नहीं हुआ? मेरी बात संगत लगती है कि नहीं? साबित हुई कि नहीं? मैं अपने मन से नहीं कह रहा, भागवत जी के प्रमाण से कह रहा हूं। ऐसे ही त्रेता युग में ये सारे ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे, श्री राम जी के रूप को देखा, और राम जी के रूप को देखकर जो मोहित हुए, इन सब ऋषियों ने राम जी से प्रार्थना की, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी ने कहा कैसे? तो उन्होंने पता क्या उत्तर दिया? ऋषि हैं, हजारों साल की तपस्या कर रहे हैं, सुबह से संध्या तक सारा दिन रात गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन किस भावना से? भावना होना बहुत जरूरी है भाई, एक एक बात का इतना मर्म है ना। मैं तो अभी फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूं। यही एक बात 7 दिन तक चल सकती है, इतनी चर्चा है। जब आप नाम कर रहे हो, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो, आपका भाव यदि नहीं हो, भाव मतलब क्या? पूजा पाठ वाला भाव नहीं, एक भाव को स्वीकार करना पड़ता है। कैसे? किसी का वात्सल्य भाव, गोपाल मेरा पुत्र है और पुत्र की भांति मैं इसकी देखरेख करती हूं, समझ रहे हो? किसी का भाव होता है गोपाल ये कृष्ण जो खड़े हैं मेरे मंदिर में, मैं इनका सखा हूं। और बहुतों का ये भाव होता है मैं इनकी एक गोपी हूं, राधा जी की एक दासी हूं,
और कृष्ण की एक गोपी हूँ। इस भावना से यदि आप उपासना करेंगे तो देखना हृदय में क्या छाप आती है। सीख लो कुछ मेरे से और मेरी सेवा को ये स्वीकार कर लो, ये मेरी सेवा है। वृंदावन में एक चक्की वाली का मंदिर है, देखा कभी? जमुना जी के किनारे परिक्रमा मार्ग में हमारे मंदिर से 5 कदम पर एक बिचारी वृद्ध माता सुबह सुबह 3-4 बजे उठकर चक्की चलाती। पहले होती थी ना चक्की ऐसी, देखिए आप लोगों ने, गेहूं पीसती और आटे को बाजार में बेचती और उस पैसे से अपने गोपाल के लिए माखन, मिश्री, संदेश, मिठाई, दूध ये सब। और सुबह सुबह शुरू हो गई, इसने किसी से चक्की मंगवा ली, इसका काम यही उसकी पिसाई करना और बेचना। अब आवाज आती है उस चक्की की तो घड़ 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 घड़। मंदिर से गोपाल उठकर चले आए, आंख मलते मलते, अरे सुबह सुबह नींद खराब करती है, परेशान कर दिया, सोने भी नहीं देती, बाद में नहीं कर सकती थी। जैसे बच्चा कभी बचपन में जैसे डांट लगाता है कभी माँ को, उस तरह से गोपाल जी प्रेम से डांट लगा रहे हैं। और इस माता ने पता क्या कहा, हे गोपाल चुपचाप बैठ जा अपने आसन पर, हल्ला करेगा तो लगाऊंगी एक तमाचा। ये भी कम नहीं, क्योंकि इसकी भावना क्या है, ये मेरा पुत्र है। अरे ब्रज में कोई इनको भगवान नहीं मानता, वृंदावन से बाहर सब इनको ईश्वर पूजा पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप सब इनको ईश्वर मान के इनको छोड़ मत दो, ये इनको पसंद नहीं है। इनको क्या पसंद है, अरे कोई एक भाव से मेरी उपासना करे। कौन सा भाव? ये वृंदावन का भाव। अर्जुन से भगवान नाराज हो गए थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ चला रहे थे ना, अर्जुन आदेश कर रहा था केशव रथ उधर ले चलो, कृष्ण ये करो, कृष्ण वो करो। भगवान को बड़ा आनंद लग रहा था, क्यों? अरे मेरा ही तो प्रिय है, मेरा ही भक्त है। लेकिन जहां विराट रूप दिखलाया ना, अर्जुन हाथ जोड़ लिए, अरे मैं तो अपना मित्र मानता था, एक साथ हम सोते थे, एक साथ हम खाते थे, हास परिहास करते थे, अरे कृष्ण आप तो ईश्वर निकले। हाथ जोड़ लिए, सखेती मत्वा परवसम तदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अरे मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने आपको सखा कह दिया, आपको मित्र कह दिया, आपको आदेश दे दिया, भगवान ने कहा दत्त तेरी तो सारा चौपट कर दिया तूने। कितना आनंद आ रहा था मित्र बनकर, जो मेरे को मित्र बनकर मेरे साथ रहे मेरे को उसमें सुख लगता है। और जो हाथ जोड़ के भगवान ईश्वर सर्वशक्तिमान होते, आए हाय हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं भाई। एक भाव के साथ मेरी यदि भोग लगाए, आहा, गाते हैं ना शनिवार को, रुच रुच भोग लगाओ दाता मेरे, रुच रुच भोग लगा। ठाकुर जी को भावना के साथ। तो ये चक्की वाली माता, उसका नाम ही चक्की वाली माता पड़ गया था। जा गोपाल बैठ जा, हल्ला मत कर, लगाऊंगी एक तमाचा। गोपाल जी तो डर के आ गए, अपने आसन पर बैठ गए। अगले दिन फिर वही हुआ, सुबह सुबह घड़ 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 चक्की। फिर गोपाल, सोने भी देगी क्या, शोर मचा देती है, सोने नहीं देती। वो चक्की वाली माता, उठूं क्या अभी? गोपाल तो डरे डरे आकर फिर बैठ गए। ये 2-3 दिन ऐसे नाटक हुआ। 4th दिन गोपाल जी आए बड़े गुस्से में और इस चक्की के ऊपर जाकर अपने पांव जमा दिया, बोलते अब तू चला के दिखा, मैं देखता हूं, अब तू चला। इसकी चक्की चले ना, जाम हो गई। हे गोपाल तूने क्या किया, मेरी चक्की बंद कर दी। तू समझता है मैं अपने लिए, अपने भोजन के लिए काम करती हूं? लाला तेरे माखन के लिए, तेरे दूध के लिए, दही के लिए, मिश्री के लिए ये सब करती थी,
तूने तो मेरी सेवा छीन ली गोपाल, अब मैं क्या करूंगी बता, तेरे को संदेश कहाँ से खरीद के लाऊंगी, तेरे को माखन कैसे खिलाऊंगी गोपाल। रोई जा रही है, रोई जा रही है, और ये छोटे छोटे हाथ लेकर माता के आंसू पोंछ रहे। तू क्या सोचती है, मैं नहीं जानता कि सब तू मेरे लिए कर रही है, क्या सोचती है? लेकिन मेरे से सहन नहीं होता, इतनी वृद्ध अवस्था में तू मेरे लिए इतना कष्ट करती है, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे को माखन नहीं चाहिए, मेरे को संदेश नहीं चाहिए, बस तेरा लाड चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। माँ, जैसे माँ बोल दिया, ये तो झरझर झर रोने लग गई। आ गोपाल आ, और जो गले से लगाए दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं, आंसू के अभिषेक से एक दूसरे को नहला दिया, गोद में बिठाकर इतनी वृद्ध अवस्था में भी स्तनों से दूध निकल आया, इतना प्रेम उमड़ रहा है। गोपाल तूने ठीक नहीं किया। गोपाल ने कहा, अच्छा तेरे को मेरे माखन दूध की चिंता है ना, मैंने तेरी सारी व्यवस्था कर दी, वो तो क्या तूने तो बकवास कर दिया सारा। गोपाल ने कहा, देख माता, मैंने चक्की पे चरण रखे ना, मेरे चरण चिन्ह इस पे छप गए हैं, अब सारा संसार मेरे चरण चिन्हों का दर्शन करने आएगा, जब दर्शन करने आएगा तो बिना दक्षिणा के तो जाएगा नहीं, दक्षिणा चढ़ा कर जाएगा, तो अपना काम मैंने स्वयं कर लिया, तेरा काम भी इसमें हो गया, अब तू चक्की मत चला, तू बस मेरे से लाड लड़ा। और उस दिन के बाद आज तक लोग उस चक्की वाली का दर्शन करने जाते हैं, वो चक्की देखोगे वहां पर और छोटे छोटे चरण चिन्ह देखोगे, और लोग चढ़ावा चढ़ा देते हैं, दो भी जितना जिसका जो है, बस तभी से उस माता का जो प्रेम वात्सल्य गोपाल के प्रति हाँ, खिलाने पिलाने का, वो अपने आप पूरा होता गया। ऐसे भावना के साथ कोई कन्हैया को अपना सखा मानता है, अरे कन्हैया तू मेरा सखा है, कौन सखा, अर्जुन जैसा नहीं, क्योंकि अर्जुन तो जहां कृष्ण को भगवान मान लेते हैं और देख लेते हैं, वो हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे भैया मैं मित्र नहीं हूं तुम्हारा, ये वाला सखा नहीं, वृंदावन के जो सखा हैं, वृंदावन के सखा वो कैसे हैं, कन्हैया को भगवान मानते ही नहीं, वो तो होगा भगवान होगा कहीं का, अरे हम तुम बराबर के हैं, कन्हैया के कंधे पे चढ़ जाते हैं और बोलते हैं चल घोड़ा बन चल आगे बढ़। यदि कन्हैया कुछ बहुत अच्छा मालपुआ खाते हैं, यशोदा मैया बनाती है मालपुआ खाते हैं, उसके मुंह से खींचकर खा लेते हैं, और यदि सुबल श्रीदाम मधुमंगल ये जो भगवान के सखा हैं, यदि ये कुछ खा रहे हों तो कन्हैया इनके मुंह से खींचकर खा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे मित्र। देखो मित्र हमारे बहुत सारे होते हैं, कोई तो बार बार दूर दूर के, कोई बड़े निकट निकट वाले, और कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब सारी बात उनसे खुलकर कर लेते हैं, तब उसमें ये नहीं होता आइए आइए बैठिए, उसमें क्या बोलते हैं, अरे आ यार बैठ, ऐसा होता है ना। और दूर दूर के कैसे होते हैं, अरे आइए जी आइए बैठिए, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, मित्र है लेकिन थोड़ा दूर दूर वाला, ये अर्जुन जैसे हैं। और वृंदावन के जो सखा है वो आइए आइए नहीं होता, अरे बैठ तू कौन से बड़े बाप का बेटा है, हम तुम बराबर के हैं, अरे तेरे पिता के पास 900,000 गाय हैं, हमारे पिता के पास 10-15 कम है, इससे तू बड़ा हो गया, कहां का बड़ा तू, अरे तू तो गोवर्धन क्या उठा लिया, तू अपने आप को अभिमान समझता है गोवर्धन उठा लिया, हमने नीचे लकड़ियां लगा रखी थी, तू क्या सोचता है तूने उठाया। भगवान को कन्हैया को ये वाला प्रेम बहुत अच्छा लगता है, जब मेरे साथ कोई लाड लड़ाए। और जहां पर गोपियों की बात आती है, आहा यहां तो बात ही कुछ और है, ये तो संसार ही कुछ और है, उन गोपियों के चरणों में लोटपोट खाते हैं जो सारे सर्वशक्तिमान हैं, गोपियों के चरणों में लोटपोट खाते हैं। 84 कोस ब्रजमंडल में एक ऐसा स्थान है ब्रह्मांड घाट, भांडीर वन, 12 वन है भांडीर वन, कभी गए, कौन कौन गया, ये 2-4-5 माताएं बस,
इसलिए बोलता हूँ हमारे साथ चलो, अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, 1 नवंबर को दिवाली, चलो अपने घर मना लो। 2 नवंबर से 15 नवंबर तक बसों को लेकर, गाड़ियों को लेकर, हम सारे संसार को लेकर हम कार्तिक की परिक्रमा करते हैं। और ये सब स्थानों पे जाते हैं, आप सुनकर आपको आश्चर्य होगा, कभी जीवन में गए नहीं होंगे। नहीं तो कभी अलग से सरिता विहार की बस लेके चलेंगे, भांडीर वन। लेकिन कार्तिक महीने में इन सब स्थानों पे जाना बड़ा बड़ा शुभ माना जाता है। नहीं तो गाड़ियों से अपने आप आ जाना, सुबह आ गए, दोपहर को, शाम को लौट के आ गए, ये भी हो सकता है। ये ऐसा स्थान जहां पर कृष्ण बड़ी जोर जोर से डींग हाँक रहे हैं। डींग हाँकना समझते हैं? अरे मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, कोई है मेरे साथ जो कुश्ती कर ले, ऐसे ताल ठोक रहे हैं, है कोई मेरे बराबर? ललिता विशाखा गोपियों ने राधा जी को सामने खड़ा कर दिया, वो तो ये है तुम्हारे बराबर। राधा जी को देख के तो पसीने छूट गए इनके, अब इनसे क्या युद्ध करें? राधा जी ने ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे देखा, बस जब ऐसे देखा ना, हाथ में जो वंशी थी नीचे गिर गई, सिर का मुकुट वो नीचे गिर गया, गले में पीताम्बर धारण रखा था वो गिर गया, वेणु करा निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्य कटाक्ष शर्गट विमुचितस्य। और तो और क्या क्या गिरा? सिर का मोर मुकुट, हाथ में वंशी, गले में पीताम्बर, ये सब गिर गया। और तो छोड़ो, स्वयं ही चक्कर खा के नीचे गिर गए। अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, अभी बस राधा जी ने देखा और इनकी ये हालत हो गई। राधा जी ऊपर आकर ऐसे कहने लगी, अच्छा बताओ कौन जीता? अभी भी अकड़ नहीं जा रही, वो तो मैं जीता। सारी सखियों ने पूछा, भैया आप कैसे जीते? वो तो बताओ नाक किसकी ऊंची है? राधा जी की नाच तो नाक ऐसे नीची है, और मैं तो नीचे गिरा पड़ा हूं, मेरी नाक कैसी है? ऊंची है। तो कौन जीता? जिसकी नाक ऊंची होती है वो जीतता है। गोपिया कहने लगी, अभी बताएं तुमको नाक ऊंची है? नहीं नहीं नहीं, मैंने हार मान ली, हार मान ली। और सारी गोपियों ने बजाई राधा जी के लिए ताली। अब जो राधा जी वाले हैं वो ताली बजाएंगे। ये इनको पसंद है, ये प्रिय है ना, ये सुंदर सुंदर लीला। कोई भगवान भगवान मानता है, इनको पसंद नहीं। इसलिए अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो एक भावना के साथ। तो बात आ जाओ उस बात पर, वो ऋषि मुनि द्वाप त्रेता युग में राम जी को देखकर उनके मन में भावना आई, गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं गुरु जी से प्राप्त करके, और जब राम जी को देखा ना तो भावना आई हम इनकी गोपी बन जाएं, गोपी बनकर इनकी सेवा करें। राम जी ने कहा, देखो मैं तो मर्यादा एक पत्नी व्रत सीता को छोड़कर किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, हे ऋषियों तुम ये मंत्र जपते रहो। राम जी बोलकर चले गए। अब इनकी भावना का क्या होगा? मना तो कर दिया ठाकुर जी, मना तो कर सकते हैं लेकिन भावना को ठुकरा नहीं सकते। और ये सारे ऋषि कृष्ण लीला में गोपियां बनकर आईं, जब कृष्ण इनके साथ रास किए, वो सारी स्वर्ण सीताएं वो गोपियां बनकर आईं। ये सारे ऋषि मुनि ये गोपी बनकर आए, जिनके साथ कृष्ण आज उनके भावों को स्वीकार करके रास कर रहे हैं, है ना। इसलिए आप चाहेंगे ऐसे इन कृष्ण को अपने घर बुलाना? कैसे बुलाओगे? आ जाओ आ जाओ। कैसे? हे श्याम सलोने, हमारे घर आ जाओ, भजन सुना दो भाई। जब भजन सुनो ना तो ऐसे ऐसे करना, हमारे हृदय में बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण,
जय जय नवल किशोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमती राधा रानी की जय। तो सब सखियां गोपियां श्री ठाकुर जी को बुला रही हैं, हाथ को उठाकर ऐसे करके कह रही हैं, आजा आजा मेरी श्याम सलोने, ओ तू आजा मेरे श्याम सलोने, हो आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने। मुशीबा के बिहारी लाल की, हाँ काली जी सेवा करते हैं, आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, आजा बुलाइए, आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने। सभी के दोनों हाथ उठाकर ऐसे करके कन्हैया की तरफ देखो, ऐसे करके बुलाओ, ठीक है, कि हमारे हृदय में आगे बसे करेंगे। ओ आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, हो श्याम सलोने आजा, श्याम सलोने आजा, हो श्याम सलोने, तक तन में सांस रहेगी, जब तक तन में सांस रहेगी, ओ जब तक तन में सांस रहेगी, जब तक तन में सांस रहेगी, ओ तेरे मिलन की आस रहेगी, तेरे मिलन की आस रहेगी, ओ तेरे मिलन की आस रहेगी, कैरी है नैनों के तारे आजा, बुलाओ नैनों के तारे आजा, ओ नैनों के तारे आजा, नैनों के तारे आजा, आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तो आजा मेरे श्याम सलोने,
अखियन से अखिया मिलाए, अखियन में अखिया मिलाए। भैया लाला जब से तेरा दर्शन करवाया है ना, मन तो बावरा है ही है। कह रहे हैं भक्त, इन अखियों से अखिया मिलाए, इन अखियों में अखिया मिलाए। ओ सावली सूरज दिल में समाए, ठाकुर जी को तो हाँ उठा के बोलो, हो नैनों में श्याम समा जा, नैनों में श्याम समा, हाँ उठा के बोलो, तू आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने, आजा आजा सुनना चाहते हैं सबकी एक साथ बोलिए, आजा आजा मेरे श्याम सलोने, एक मिनट आवाज कम है, आजा आजा और जोर से लाउडली जोर से एक बार और, हो आजा, इसी प्रकार हाथ को ढांग रखा दिए, आजा आजा मेरे श्याम
नटवर नागर नंदा गोलंद के लाला की जय हो नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मन चंदा भजोरे मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर नटवर तू ही नागर भैया बरसाने वाली तो जीत रही है नंदगांव के हारने का है आप लोग को हारना नहीं है आप लोग को भी जीतना है ठीक है तो हाँ उठाओ नंदगांव के सिर्फ ऐसे ऐसे नाच रहे हैं बरसाने वाले झूम झूम के नाच रहे हैं इसलिए राधा रानी की जय होती है हमेशा नंदगांव के दोनों हाथ उठाओ हाथों को उठाकर झूम कर बरसाने वाले आप कभी नहीं हारना है ठीक है हम आपके साथ हैं हाथ उठाओ सब सखियन में राधा जी बड़ी सब सखियन में राधा जी बड़ी बोल दीजिए बारी की सब सखियन में राधा जी बड़ी सब सखियन में राधा जी बड़ी हाँ सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में
बैठे कोई बात नहीं, ये है परम आनंद। जो जगत में सुख ढूंढ रहे हैं वो सुख परमानेंट नहीं है। भूल जाना कि धन से सुख आएगा, जन से सुख आएगा, परिवार से सुख मिलेगा, एक न दिन वो सुख दुख में परिवर्तन होगा। किंतु वास्तविक कड़वा सच है, किंतु सच है, सत्य यही है। जो वास्तविक परम आनंद है वो भगवान का नाम। लोग जगत में डीजे पर नाचते हैं, हम भी नृत्य कर रहे हैं ना, कितनी प्रसन्नता, यही भक्ति है कलयुग में। और किन के नृत्य कर रहे हैं? श्री राधा गोविंद के लिए। इसलिए दोनों हाथों को उठाकर जूम के जितना हो सके, महाराज ने बताया ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, सारे मंगल को भगा दो आज, मंगल ही मंगल ला दो आज। ठीक है, दोनों हाथ उठाके आ रहा हूं, दोनों हाथ उठाके हो मजमन राधे गोविंद। बरसाने वालों की आवाज आ रही है महाराज जी, नंदगांव वालों की नहीं आ रही है। बोलो जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, हो भजमन राधे गोविंद, भजमन राधे गोविंद, भजमन कृष्ण कन्हैया, भजमन हमेशा बरसाने वाले जीतेंगे। हाँ, मैं बताऊंगा कौन जीता, पहले बैठ जाओ। जी बताएंगे, मैं बताऊंगा, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाइए आराम से। बोलो श्री राधा रानी की। चलो जहां स्थान है वहीं बैठ जाओ बिना बात किए। ठीक है, बोलो भागवत महापुराण की जय। ठीक है, बैठ जाइए, वो सब बाद में करेंगे। चलो पहले मैं आप लोगों की बातें सुन लूं, बाद में कथा सुना लूं। हरे कृष्ण, सब लोग बैठ जाइए आराम से। हरे कृष्ण, बस शांत रहिए। बोलो श्री राधा रानी की। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ, वो माता वहां चुप हो तो मैं कुछ बोलूं, उनकी बात ज्यादा जरूरी है, हम तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अब शांति हुई, जब तक बोलो नहीं तो शांत नहीं होते। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, याद है? ये नीचे रंग तो दिख नहीं रहा,
बोला था शांति रखो। ये कन्हैया का जब जन्म होता है तो उथल पुथल तो होती है, नहीं तो फिर उत्सव किस बात का। अभी हमारे राम गोपाल जी ये चले हमको नंद बाबा बनाने, टोपा और पहना दिया। ये तो नंद बाबा पहनते हैं, हम नहीं पहन सकते, ये बाबा के लिए रखा है, ब्रज के राजा नंद बाबा। हाँ तो देखो इतने सारे उदाहरण हैं राम जी की लीला से जिनका संपर्क सीधा सीधा कृष्ण के आने के कारण। एक और कारण सुनो, रावण की बहन का नाम क्या? अब ये बात से आपको पता लग जाएगा भगवान कैसे भावना को कितना महत्व देते हैं। रावण की बहन का नाम, राम जी लक्ष्मण जी के पास आ गई, सुंदर थी। अब इसमें इसका क्या दोष? राम जी आपके सुंदरता का दोष है, आप इतने सुंदर क्यों हो? रूपनका ने आकर राम जी को प्रस्ताव दिया, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूं, आपसे विवाह करूंगी। राम जी ने कहा देखो पहली बात तो मेरी पत्नी मेरे साथ, दूसरी बात मैंने व्रत लिया है एक ही पत्नी को धारण करूंगा, इसलिए मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ मेरा भाई लक्ष्मण अकेला है, उससे पूछ लो। वे लक्ष्मण के पास आ गई, बोलते आप भी कम सुंदर नहीं हो, आप मुझको स्वीकार कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा देखो भैया की रानी बनोगी तो राज रानी रहोगी, मेरी रानी बनोगी तो दासी बनना पड़ेगा। अब तुमको रानी बनना है कि दासी बनना है? बोलते हमको तो रानी बनना है। तो जाओ भैया के पास। वो उधर भेज रहे हैं, वो उधर भेज रहे हैं, वो उधर भेज रहे हैं। राम जी के इंगित करने पर सुरूपनखा का नाक और कान काट के इसको कुरूप कर दिया गया। बताओ ये करने की क्या आवश्यकता थी आपको हे भगवान? सीधा सीधा बोल के मुंह मोड़ के चले जाते। किसी बेचारी का ऐसा हाल क्यों कर दिया आपने? जानते हो क्यों किया? जो मुझसे प्रेम स्थापित करता है उस प्रेम को फिर मैं ही धारण करता हूं, किसी और को नहीं करने दूंगा। सुरूपनखा तुमने अपना हृदय अपना प्रेम मुझको देना चाहा ना, लेकिन अभी मैं वचनबद्ध हूं, मर्यादा का बंधन है, इसलिए रामलीला में तो स्वीकार नहीं कर सकता, उसके बाद कृष्ण लीला में तेरे प्रेम को मैं स्वीकार करूंगा। वही सुरूपनखा कृष्ण लीला में कुब्जा बनकर आई, मथुरा में जो कुब्जा थी, जो मथुरा में कृष्ण बलराम गए कुब्जा ने कृष्ण को देखा और तीन जगह से टेढ़ी है ना, तीन जगह से टेढ़ी और हाथ में चंदन लेके जा रही थी। भगवान ने कहा कुब्जा ये क्या है? बोलते चंदन है। किसके लिए? बोलते राजा कंस के लिए। और जैसे ही कुब्जा ने जो कुबड़ी सी थी भगवान को देखा, बस नेत्र नेत्र में ही भगवान से प्रेम स्थापित हो गया। भगवान ने कुब्जा का प्रेम स्वीकार कर लिया। अब यहां पर बात यह आती है, एक कुबड़ी कुब्जा यदि भगवान को देखे जो बड़ा सुंदर व्यक्ति है, ये तो स्वाभाविक है, किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर आकर्षण हो जाता है, लेकिन भगवान को कुब्जा को देखकर क्या आकर्षण हो गया? समझ आई बात? प्रभु आप तो सुंदर हो, ये तो कुबड़ी है तीन जगह से टेढ़ी और ऐसे कुब निकला हुआ है, इसमें आपने क्या देख लिया कि आपको इससे प्रेम करना पड़ेगा? आपके पास तो बड़ी सुंदर सुंदर गोपियां सब कुछ है, लक्ष्मी आपकी सेवा करती है। इससे पता लगता है भगवान ऊपरी सुंदरता को नहीं देखते,
उसकी भावना को देखते हैं। कुब्जा, तुमने पिछले जन्म में स्वरूप नखा होकर अपना प्रेम मुझको दिया था ना, इसलिए मैंने तेरे को कुरूप कर दिया था कि अब मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मर्यादा में बद्ध हूं, लेकिन ऐसा तेरे को कर दूंगा कि फिर और कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, करूंगा तो फिर मैं ही करूंगा, लेकिन अब नहीं, बाद में करूंगा। इसलिए कहा देर है अंधेर नहीं, वो देर किसी कारण से होता है। भगवान को देखकर प्रेम हो गया और चंदन लेके जा रही थी, भगवान के मस्तक पे लगा दिया। भगवान का वचन है, तुम मुझको सुंदर बनाओगे मैं तुमको सुंदर बनाऊंगा, तुम मुझको सबसे ऊपर रखोगे तो मैं भी तुमको सबसे ऊपर रखूंगा। लेकिन सब लोग भगवान को सबसे नीचा रखते हैं, ब्याह शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, खरीदारी करेंगे, रिश्तेदारों को डिब्बा बांटेंगे, सब करेंगे, भगवान सबसे नीचे, उनको बाद में पूछेंगे जब बहू घर आ जाएगी। आपने उनको नीचा रखा, उन्होंने आपको नीचा रखा, आपने उनको सबसे ऊपर रखा तो आपको भी ऊपर ही रखेंगे वो। कुब्जा ने चंदन लिया, भगवान को माथे पे चंदन लगाकर और सुंदर बना दिया, और अब ठाकुर जी ने भी एक ठोड़ी पर हाथ दिया, एक कमर पर हाथ रखा और एक दिया जो झटका, कैरोप्रैक्टर है, एक ऐसा झटका दिया कुब्जा को, एकदम सीधा और सुंदरी बना दिया। और मथुरा वाले आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ये क्या चमत्कार हो गया, जन्म से जो कुबड़ी आज इतनी सुंदर हो गई। कन्हैया के साथ उसके सखा भी, कन्हैया के साथ उनके सखा भी कहने लगे, कन्हैया ये क्या चमत्कार कर रहे हो। कन्हैया ने कहा, देखो भाई, जाति वाले यदि मिल जाएं तो प्रेम तो होना ही हुआ। तो सखा कहने लगे, कुब्जा कौन सी तुम्हारी जाति वाली, तुम गोकुल के ये मथुरा की। कन्हैया ने कहा, ये गोकुल मथुरा की बात नहीं, हम दोनों की जाति एक ही है, जैसे ये तीन जगह से टेढ़ी, ऐसे मैं तीन जगह से टेढ़ा, और टेढ़ा और टेढ़ी मिलेंगे तो प्रेम तो होना ही है। ये कभी सीधे खड़े होते हैं, देखो हमेशा टेढ़े ही खड़े रहते हैं, इनका कुछ भी सीधा नहीं है। वृंदावन जाओ, एक गली कोई सीधी दिखा दो, सब टेढ़ी मेढ़ी। इनकी नदी जमुना जी कभी सीधी नहीं बहती, देखना ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इनका सब कुछ टेढ़ा। इसलिए एक भजन है, आप लोग ये ऐड कर सकते हो अपने भजनों में शनिवार को, ओ शाम तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो टेढ़ी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, सब कुछ टेढ़ा, गोकुल तेरी टेढ़ी, जमुना टेढ़ी टेढ़ी, गोकुल तेरी टेढ़ी, जमुना टेढ़ी टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी ये मुख पे मुरलिया, शाम टूर तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। फिर कभी गाएंगे, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा, नजरिया भी टेढ़ी, लेकिन आप इनको यदि टेढ़ी नजर से देख लोगे ना, भाव के साथ, प्रेम के साथ, तो आपके पीछे पीछे हो लेंगे ये। और बिहारी जी जाते हैं ना, पुजारी जी एक सेकंड में पर्दा आगे कर देते हैं, क्यों कर देते हैं भाई, एक ऐसे आए थे, ऐसे भाव और प्रेम से ठाकुर जी को देखा, बिहारी जी पीछे पीछे चलने लगे, वो सारे सेवक भागे, अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, बोलते इन्होंने अपने नेत्रों से मेरे को जो देख लिया ना, कौन से आंखें, बोलते साधारण आंखें नहीं है इनकी, प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनेना, संता सदैव हिदेश विलोक यंती, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि।
संत लोग अपनी आंखों में काजल लगाते हैं, जैसे माताएं आंखों में काजल लगाती हैं, ऐसे संत लोग अपनी आंखों में काजल लगाते हैं। वो काजल ये लाइन वाला नहीं, वो काजल है प्रेम का काजल। उस प्रेम के काजल लगाकर जब वो श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं ना, बस उनको अपनी ओर खींच के चले चले आते हैं। बिहारी जी पीछे पीछे चले गए। अब दोष जो ले जा रहे हैं उनका न, दोष बिहारी जी का। आप कहेंगे जो ले जा रहे हैं उनका, ना भैया, दोष बिहारी जी का है। क्यों? किसने कहा था आपको चरणों से मस्तक तक श्रृंगार करके आने के लिए? मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। ओ तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेरी चाह, तो शुरू हो नहीं, माते खड़े हो जाते हैं, बस तैयार बैठी है, बस एक लाइन आए ना और शुरू हो जाए। अब जो जो कथा सुनी है ना, सब आप लोगों से सुनूंगा, नहीं बताओगे ना तो भंडारा आपको ही देना पड़ेगा। खैर ये आनंद है ना, भागवत जी का मतलब उत्सव है। उस समय तो देखो सब चलता है, और वो उत्सव किस बात का, जब नियम कोई पालन करे। उत्सव का मतलब है कि नियम टूट जाए, है ना, उत्सव का मतलब ही सब नियम टूट जाए जहां पर। ऐसे हमारे श्याम सुंदर, ऐसे हमारे कन्हैया, ये वो जो लीला करते हैं, किसी अवतार ने ऐसे लीला नहीं की। इसलिए पुराने पुराने अवतारों की जो जो लीलाएं अधूरी रह गई वो सब कृष्ण लीला में पूरी हुई। ये है इनका महत्व। अब देखो बहुत कुछ कहना बाकी है, अभी तो आज चौथा दिन है, कल परसों तरसों बहुत कुछ है। अभी श्याम सुंदर की लीला ही चलेंगी, लेकिन आज हम इनका पहले जन्म का रहस्य सुन लें। सुनना चाहेंगे? सुनेंगे? ब्रज के एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम हुआ देवमीड। इनकी दो पत्नियां हुई, एक गोप जाति की और एक क्षत्रिय जाति की। देवमीड राजा और क्षत्रिय जो पत्नी हुई, इनसे इनको पुत्र हुआ जिनके नाम हुआ शूरसेन। दूसरी पत्नी जो गोप जाति की, उनसे पुत्र हुए जिनका नाम हुआ परजन्य महाराज। इन्हीं शूरसेन जी के यहां पर जन्म हुआ वसुदेव जी का, और उधर परजन्य जी के यहां पर पांच पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन, जिनमें जो मंजले हुए उनका नाम हुआ नंद महाराज। वसुदेव जी के पहले रोनी जी से विवाह हो चुका है, और कंस के भय से रोहिणी जी एक घोड़ी पे सवार होकर गोकुल में
श्री नंद जी के यहाँ पर सुरक्षा के लिए पहुंच गई। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करना चाहते हैं। बोलते हैं इतने सज्जन पुरुष कहीं नहीं मिल सकते जो अपने वचन के पक्के, देखने में सौम्य, बड़े सुंदर हैं और सबसे बड़ी बात सब समय सत्य बोलते हैं। कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम जताता है और देवकी का विवाह कंस से कर वसुदेव जी से कर देता है। बड़ा प्रेम दिखलाया, विवाह हो गया। रथ पर बैठे जो जाने लगे, देवताओं की आकाशवाणी हुई, दुष्ट कंस देवकी की आठवीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने उसी समय तलवार निकाली और जो देवकी को मारने लग गया, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अब मैं देवकी का रक्षक हूं। कंस तुम देवकी पर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते, सुना नहीं अभी? आठवीं संतान मृत्यु का कारण है। वसुदेव जी ने कहा आठवीं संतान कारण है, देवकी तो कारण नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये, हमारी जब भी कोई संतान होगी हम तुमको आके अर्पण करेंगे, मैं वचन देता हूं। कंस अच्छे से जानता है वसुदेव जी यदि वचन देंगे वचन को पालन करेंगे, इसलिए कंस ने देवकी वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और देखते देखते देवकी जी के यहां पर प्रथम बालक हुआ, प्रथम संतान हुई। वसुदेव जी अपने वचन के पक्के बालक को लेके ले जाने लगे। कीर्तिमान नाम उसका। देवकी ने कहा प्रथम पुत्र है, कंस दुष्ट न जाने क्या करेगा। वसुदेव जी ने कहा देखो देवकी, हमने संकल्प दिया था, लेकर गए कंस के सामने रख दिया, लो हमारा प्रथम पुत्र। छोटे से बच्चे को देखकर कंस भी सोचने लगा ये मेरा क्या बिगाड़ेगा और ये पहला पुत्र है, मैं तो आठवीं की प्रतीक्षा करूंगा। वसुदेव जी अब ले जाओ। वसुदेव जी लेकर आए, देवकी को अर्पण किया। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, मेरा भाई कितना अच्छा मेरे बालक को छोड़ दिया। देवकी वरदान देने लगी और देवता घबरा गए कि देवकी यदि वरदान देती रहेगी ऐसे ही तो कंस को मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुष्ट कंस तब मरेगा जब देवकी जैसे भक्त इसको कोसेंगे तब। देवताओं का काम बनाने के लिए नारद जी कंस के पास आ गए। और ये मथुरा में है ना कंस, मथुरा का फेमस क्या है? हाँ, नारद जी आठ पेड़े लेके आए, पूरे गिनती के आठ पेड़े। बोलते कंस, अरे नारद जी गुरु जी आए, लो बेटा प्रसाद। कंस ने ले लिया प्रसाद। अच्छा बेटा गिनो कितने हैं? कहता एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। हाँ ये आठ पेड़े प्रसाद तेरे लिए लाया, गिन लिया ना? बोलते हाँ जी। अब पेड़ों को ऐसे घुमा दिया, बता वो पहले वाला कहाँ गया? बोलते ये क्या बोल रहे हैं आप, आपने कहा गिनो, मैंने गिन लिया, आपने घुमा दिया, मेरे को क्या पता पहला कहाँ गया? बोलते बेटा यही बात तो समझाने में आया, वो जो देवकी की पहली संतान आई क्या पता वही आठवीं हो, तेरे को क्या पता? बोलते नारद जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो पहला बालक छोड़कर ऐसे छोड़ दिया था, अच्छा किया आपने बता दिया। कंस बड़े क्रोध में जेल में गया, देवकी के हाथ से बालक को खींचा, दीवार पर मारकर समाप्त कर दिया। अब देवकी कोसने लग गई। दुष्ट शाप पे शाप देने लगी, यही देवता चाहते थे, क्योंकि प्रभु तभी जल्दी आएंगे जब देवकी कोसेगी कंस को। देवकी ने दूसरे संतान को जन्म दिया, वो भी बालक, तीसरा चौथा पांचवा छठा, और कंस के मन में यही है न जाने आठवीं कौन सी हो जाए। और छह के छह बालक को मार डाला। आप कहेंगे नारद जी ने बड़ा गलत काम किया,
कंस ने तो छोड़ ही दिया था, नारद जी ने गड़बड़ करवा दी, इसलिए नारद जी झगड़ा लगवाते हैं। नारद जी झगड़ा नहीं लगाते, जब ये नारद जी का चरित्र सुनेंगे ना, क्या क्या इन्होंने किया, किन किन को भक्त बनाया, कितना कुछ सहन किया, तो मस्तक झुक जाता है। ये जगत गुरु हैं, परम संत हैं, फिर छह बच्चों को क्यों मरवा दिया? ये छह बालक ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अपनी कन्या का निर्माण किया, ब्रह्मा जी अपनी कन्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगे और कन्या के पीछे पीछे चलने लगे। ये ब्रह्मा जी के छह पुत्र, मरीचादि छह पुत्र, पितामह ब्रह्मा पर हंसे, अरे अपनी ही कन्या को देखकर पीछे पीछे भाग रहे हो। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, कितने दुष्ट बुद्धि वाले हो तुम, ऐसे विचार रखते हो, वो भी मेरी कन्या के लिए। मैं तुमको शाप देता हूं, तुम तब तक भटकते रहोगे जब तक एक असुर के हाथों से नहीं मारे जाओगे। ये छह के छह शाप प्राप्त करके कब से भटक जा रहे हैं, इनका उद्धार ही नहीं हो पा रहा। और नारद जी ने कंस के द्वारा मरवाकर इन छहों को शाप से मुक्त करवाया, क्योंकि कंस एक असुर है। अब बताओ नारद जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? देखने में लग रहा मरवा दिया, इनको शाप से मुक्त करवा दिया। इसलिए इनके व्यवहार को, इनकी डीलिंग को समझना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे कोई कारण होता है, रहस्य होता है। अब देवकी जी के गर्भ में सातवीं संतान आई, संकर्षण भगवान। भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया, देवकी के गर्भ में जो सातवां संतान है उसको ट्रांसफर कर दो, स्थानांतर कर दो। कहां पर? रोनी जी के गर्भ में, क्योंकि रोनी जी भी गर्भवती थी। रोनी जी वसुदेव जी से मिलने आती थी और रोनी जी गर्भवती हो गई। रोनी जी के गर्भ में आए बलराम जी, रोनी जी के गर्भ में आए बलराम जी और देवकी जी के गर्भ में सातवां बालक हुआ संकर्षण जी। अब संकर्षण है बलराम जी के अंश, समझ आ रही बात? ये ना बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा, ये रामलीला नहीं है, ये कृष्ण लीला, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये टेढ़ी खीर है, ये सीधी नहीं है। देवकी जी का गर्भ में जो बालक संकर्षण, वो रोनी जी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया और देवकी जी ने हल्ला मचा दिया, हाय हमारा गर्भ तो खत्म हो गया, मिसकैरेज हो गया हमारा। चारों तरफ मथुरा में हल्ला मच गया। कंस तो सोचने लगा, अरे सातवां गर्भ देवकी का ऐसे हो गया, जरूर कुछ बात है। समय बीता, देवकी जी की आठवीं संतान, आठवां गर्भ हुआ। और अब की जो आठवां गर्भ हुआ, सारा जेल उजाला ही उजाला हो गया, क्योंकि आठवें गर्भ में कौन आए? श्री कृष्ण आए। आठवें गर्भ में श्री कृष्ण आए और सारे देवता हाथ जोड़कर देवकी जी की परिक्रमा कर रहे हैं, नमो नमा प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सतस्य योनिम निहितंत सत्यम, सतस्य सत्यम रीति नेत्र सत्यम, सत्य आत्मतम शरणम प्रभु। सब भगवान को सत्य 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 कह के प्रार्थना कर रहे हैं, सारे देवता, ब्रह्मा शिव इंद्र सूर्य चंद्र सब आ गए। देवकी जी को नहीं पता लग रहा, वो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी, क्योंकि भगवान आए हुए हैं। ठीक उसी समय गोकुल में क्या हो रहा है, ये तो मथुरा में, साथ ही साथ गोकुल में ले चलता हूं, देखो वहां क्या हो रहा है। नंद जी वृद्ध अवस्था हो गई, यशोदा जी की वृद्ध अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं हो रही। बड़े भैयाओं ने यज्ञ करवाए, बड़ा कुछ किया, संतान ना हुई। नंद बाबा ने, यशोदा जी ने एकादशी का व्रत आरंभ किया।
गुरु शांडली जी ने आकर कहा एकादशी का व्रत करो। जैसे एकादशी का व्रत किया, नंद बाबा सुबह उठे और अपनी पत्नी यशोदा से कहने लगे, यशोदा 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 एक बात बतलाऊं, कल मेरे को एक स्वप्न आया, एक शाम सलोना बालक तेरी गोद में तुम्हारा दूध पीकर किलकारियां मार रहा है। सच्चे सच्चे बताओ, क्या तुमको कभी ऐसा स्वप्न आया? सत्य वदामि सधर्मणि, हे मेरी सधर्मणि, धर्म पत्नी बोलते हैं ना, हे सधर्मणि सत्य कहो, तुमको भी कभी ऐसा कोई स्वप्न आया? यशोदा मैया ने कहा हाँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहना चाह रहा था, चाह रही थी, हमको भी एक स्वप्न यही आया। जब ये दोनों बात कर ही रहे थे ना, इतने में सन्यासी का वेश धारण करके एक देवी आ गई। ये कौन थी? पूर्णमासी योग माया जी। कहने लगी, नंद जी मैं आपको एक सूचना देने आई हूं, बहुत शीघ्र आपके यहां पर एक बालक होगा, बहुत शीघ्र एक बालक होगा। बस नंद बाबा यशोदा मैया बड़े प्रसन्न, और यशोदा मैया हो गई गर्भवती। अब जब गर्भवती हुई ना, पहले जमाने में, ये तो 5000 पुरानी बात है, 100 साल पहले ही बड़ी बूढ़ी जो माता होती थी ना, वो बहू का मुंह देखकर बता देती थी, तेरे घर लाला होगा कि लाली होगी, होता था ना, उसके मुंह का रंग देखकर। तो बड़ी बूढ़ी जो ब्रज की कहने लगी, यशोदा तेरा मुंह थोड़ा पीलो पीलो हो रहे हो, और ठीक पता लग रहा तेरे यहां पर लाला ही होगा। यशोदा मैया लज्जा जाए, दोनों माता गर्भवती हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना ये 5 मिनट, ये कृष्ण जन्म का रहस्य है जो टीवी वीवी में नहीं दिखाएंगे आपको। एक तरफ मथुरा में देवकी जी गर्भवती, ठीक उसी काल में गोकुल में यशोदा जी गर्भवती, दोनों माता गर्भवती। और देखते देखते जब महीने बीते, तो वो समय आया जिसकी देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे, हम आप भी कर रहे हैं। क्या समय आया? शुभ मुहूर्त, भाद्र मास की अष्टमी, रोनी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, बुधवार का दिन, अर्धरात्रि के समय में मथुरा में कंस के कारागृह में देव की वसुदेव के सामने 16 कला संपूर्ण, कृष्णस्तु भगवान, ये जो श्री कृष्ण हैं, 16 कला संपूर्ण, शंख चक्र गदा पद्म, कान में कुंडल, सिर में मुकुट, गले में माला, चरणों में नूपुर, ऐसे करके 16 वर्ष के अद्भुत बालक प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान। अभी जन्म नहीं हुआ भैया, इतना हसो मत, अभी तो प्रकट हुए हैं। ये तो हुआ यशोदा जी के, देवकी जी के। अब वहां गोकुल में यशोदा जी का क्या हुआ? अभी तो गर्भवती है ना। हाँ, ठीक उसी मुहूर्त उसी काल में, भाद्र मास की अष्टमी, रोनी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, बुधवार का दिन, रात को 12 बजे अर्धरात्रि के समय में गोकुल में यशोदा जी ने जुड़वा संतान को जन्म दिया, एक बालक और एक बालिका। बालिका कौन? बोलते अनुजा, छोटी बहन। जब बोले छोटी बहन, इसका मतलब कोई बड़ा होगा भाई, बड़ा भाई कौन? बोलते कृष्ण। क्या क्या? कृष्ण। नहीं नहीं, अभी आपने कहा मथुरा में हो गए थे, अभी आप कह रहे क्या कर रहे हो, सिर घूम रहा है? अरे हमारी आपकी बात छोड़ो, ब्रह्मा जी जैसे 4 मुंह वालों का सिर घूम गया, बड़ो बड़ों का सिर घूम जाता है ये सुनकर। ठीक उसी मुहूर्त में, जहां पर मथुरा में उस जेल में कृष्ण जैसे एक बालक गर्भ से जन्म लेता है, वैसे जन्म नहीं हुए, सामने प्रकट हो गए।
और 16 वर्ष का बालक शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाधारी, लेकिन गोकुल में प्रकट नहीं हुए। जैसे एक बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है और नाड़ी छेदन होता है ना, बिल्कुल वही हुआ वहां गोकुल में। यशोदा जी ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। तो आप कहना चाहते हो कृष्ण दो हैं? जी हाँ, एक देवकी जी वाले देवकी नंदन और एक यशोदा जी वाले यशोदा नंदन। नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो बचपन से भजन सुनते आई हूं, ये कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तेरे को जन्म दिया और एक ने तेरे को, ये तो फिल्म का भजन है, ये थोड़ी ना भागवत में लिखा। ऐसा नहीं, दो कृष्ण। अब चलते हैं पहले मथुरा, फिर आएंगे गोकुल में। मथुरा में कृष्ण जो प्रकट हुए ना, देवकी कहने लगी आप इतने बड़े खड़े हो गए, छोटे से बच्चे हो तो लाड लड़ाऊं दूध पिलाऊं। भगवान कहने लगे ये देवकी वसुदेव जी, मुझको पता है आप डर रहे हो कि कंस आकर मुझको भी मार देगा, डरने की आवश्यकता नहीं, आप एक काम करो, अच्छा आप मुझको गोकुल में छोड़ाओ। बोले कैसे छोड़ाऊं प्रभु, देखो बेड़ियां बंदी हैं, ताले लग रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं, और आप इतने बड़े, कैसे उठाऊं आपको। भगवान कहने लगे मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं, मैं छोटा सा शिशु बन जाता हूं, आपकी बेड़ियां भी खोल देता हूं, ताले भी खोल देता हूं, पहरेदार सुला देता हूं। देखते देखते देवकी वसुदेव जी के सामने छोटे से बालक बन गए, बेड़ियां खुल गई, वसुदेव जी ने मस्तक पे उठा लिया, टोकरी पे, ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार तो सो गए, किसने नींद की गोली दे दी उनको। और जो वसुदेव जी चले, जमुना जी को पार करते 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 आगे बढ़े, और जमुना जी को पार करते करते आगे बढ़े, जमुना जी ने चरण स्पर्श किया, पूरा का पूरा मार्ग दे दिया, पूरा मार्ग दे दिया। जैसी गोकुल में पहुंचे, यहां पर एक चमत्कार हो गया, वो बालक जो वसुदेव जी के सिर पे हैं और वो बालक जो यशोदा जी ने जन्म दिया, ये दोनों बालक हो गए एक। ये बात तो ना वसुदेव जी जान रहे हैं ना यशोदा जी जान रही है, ये कौन करा रहा है, योग माया जी करा रही है अपने प्रभाव से। क्यों करा रही है, इसके पीछे रहस्य अब कल कल सुनेंगे। इस प्रकार से वसुदेव जी बालक को वहां छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा में आ गए। हल्ला मच गया कि देवकी का तो आठवीं संतान बालिका हुई है, शोर मच गया। कंस तो तलवार लेकर क्रोध में और भय में दोनों एक साथ आकर देवकी के हाथ से उस बालिका को छीनने लगा। देवकी कह रही है भाई ये तो एक कन्या है, इसको तो छोड़ दे, कम से कम कुछ तो तरस खा, नहीं यही आठवीं संतान है, जो हाथ से पकड़ा और दीवार पर पटक दिया। लेकिन ये तो देवी है, जैसी हवा पे पकड़ के वैसे फेंकने लगा, ये तो अष्टभुज धारण करके दुर्गा स्वरूप खड़ी हो गई और कंस के सिर पर लात मारकर कहा ए दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है, जन्म ले चुका है, जन्म ले चुका है। जब तक गोकुल में थी तो योग माया जी, और जैसे मथुरा में आई तो महामाया श्री दुर्गा जी प्रकट हुई। और कंस सोच रहा है जिस देवी की मैं सारा जन्म पूजा की, आज उसने मेरे सिर पर लात मार दी। कंस तो अब भयभीत हो गया, न जाने वो कहां जन्म ले चुका है, कहां ढूंढूं उसको। तो कंस को डरने मरने दो, हम चलते हैं गोकुल, और वहां क्या हो रहा है। हाँ गोकुल में तो यशोदा मैया तो मूर्छित पड़ी है, उनको प्रसव का होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं।
जुड़वा संतान को जन्म दिया कि एक को दिया? कन्या तो वसुदेव जी ले गए और रह कौन गया? कृष्ण रह गए। उस समय कन्हैया की भुआ मतलब नंद बाबा की बहन सुनंद जी अंदर आई और देखा भाभी ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। ऐसे लग रहा है एक सरोवर से जैसे नील कमल जन्म ले लेता है, ऐसा अद्भुत बालक तो आज तक नहीं देखा। नीले श्याम और नीला ऐसा तेजवान, चरणों में ऐसी लालिमा, हाथों में ऐसी लालिमा, सुंदर कमल सरी के नेत्र हैं, मुख मंडल ऐसा जैसे कमल जैसा खिल रहा हो, नाभि कैसा जैसे कमल है, हस्त कैसे जैसे कमल है, चरण कैसे कैसे कमल है, इतना कोमल अंग। हाँ, रंग तो नील और श्यामल और बाकी जितने अंग प्रत्यंग वो सब कमल जैसे लालिमा से युक्त है, बड़ा सुंदर रूप है। सुनंद भुआ तो देखकर निबंती टकटकी लगाकर देख रही है, मन कर रही है क्या करूं, बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। मन तो वहां पर पूरा का पूरा लीन हो गया उस रूप को देखकर, जैसे कमल से एक सरोवर से एक जैसे कमल खिलता है, ऐसे यशोदा मैया के सरोवर से एक नील कमल प्रकट हुआ। तो जैसे जैसे अपना होश संभाला और बाहर आकर नंद बाबा को बधाई देने आई, बोलते बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बोलो बधाई हो, बधाई हो। हाँ, शंख बजने लग गए, देवता फूलों की वृष्टि करने लगे, आज प्रभु आए हैं। सारी दिशाएं अपने प्रफुल्लित हो गई, ऋषि मुनियों के मन आनंदित हो गए, पक्षी सब चहकने लगे, सारी दिशाएं प्रफुल्लित हैं, सारे देवता नाचने लगे, आज प्रभु की कैसी चमत्कारिता है, क्यों ये कोई साधारण नहीं, ये वे हैं जो अजन्मा हैं, जिसका कभी जन्म नहीं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं, आज वो गोकुल में इन ब्रजवासियों के बीच में जन्म लेकर दिखला रहे हैं। सब जोर से नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं, और स्वर के देवता तो जय जयकार करते हुए थक नहीं रहे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे स्तव स्तुति कर रहे हैं और नंद बाबा ने हाँ बड़े आनंदित हुए। नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जात हलाद महामना, आयु विप्र वेद ज्ञा स्नात्र सुचिर अलंकृता। नंद बाबा तो जमुना जी में स्नान किए, श्रृंगार किया, और नंद बाबा तो बालक का दर्शन करने आए। आहा, बलिहारी जाऊं, बड़ा सुंदर बालक भयो है। कितना सुंदर बालक भयो। ऐसे गोकुल में अब बधाई होने लगी। अब आज तो समय हो चुका, अब और कथा क्या कहें, क्योंकि कथा अगर अब यहां से अगर आरंभ हो गई तो 11 बज जाने हैं, मैं तो कह रहा हूँ 12 ही बजेंगे। और ये शनिवार होता तो अलग बात थी, आज है रविवार, कल सबको जाना है काम पर। हाँ, अब तो मानो कथा आरंभ हुई है, अभी समापन नहीं हुई, क्योंकि मन भरा नहीं, लेकिन क्या करें, समय की अपनी सीमा है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे, और कल जब मैं 5 बजे आऊँगा, आप लोग मिस कर जाओगे अगर टाइम पे नहीं आए, क्योंकि कल नंद महोत्सव मनाया जाएगा और बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। मैं 5:55 पर आ जाऊंगा और नंद उत्सव 5:10 पे मनाया जाएगा। पूरा ठीक टाइम मुहूर्त निकाला है। किससे पूछ के मुहूर्त निकाला? पंडित वंडित से नहीं, ब्रजवासियों से पूछकर, नंद बाबा से पूछा, बोलते 5:10 पे करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ कहेंगे तमाल प्रभु, कुछ कहेंगे विपिन प्रभु, कल बोलेंगे, आज समय हो गया ना, अब बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में
अनंत कोटि दंडवत करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन हमारे व्यास जी भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा जाते दंडवत। सभी श्रोतागण कथा विपासु माताएं बहनें सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड स्वीकार हो। बड़ा मन प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा आनंद हो जाता है जैसे ही हरि कथा सुनने को मिलती है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग सभी बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसे वैष्णवों से हरि कथा सुनने का मौका हमें मिला। कथाएं तो वैसे भागवत कथा हरि कथा नित्य निरंतर चली रही है, लेकिन हम उसका कितना सेवन कर पा रहे हैं इस पे निर्भर करता है, हमारे ऊपर कितनी कृपा है। एक श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं हम ये 7 दिन ये कथा सुन के फिर अपने जीवन को उसी में संसार में ना झोंक दें, क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है बड़ा दुर्लभ है। बहुत कुछ महाराज ने भी बताया होगा और बहुत कुछ हमारे साथियों ने भी सब ये बातें बताई होंगी ना कि किस प्रकार हमारे जीवन में किस वस्तु का ज़्यादा महत्व है। सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु जो है हमारे जीवन में वो भक्ति ही है, अन्यथा संसार तो जो है वो चल ही रहा है, बहुत देर से चल रहा है, बहुत जन्मों से चल रहा है और ऐसे निरंतर चलता ही रहेगा। परिवर्तनशील है, अशाश्वत है, दुखालयम है, सब बातें इसके साथ जुड़ी हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, एक छोटी सी कथा महाराज जी 2 मिनट ले लो, सिर्फ 2 मिनट। यस, एक गांव में अकाल पड़ गया और वहाँ जो सरपंच था, नवयुवक था, उसने सोचा कि बहुत दिन हो गए यहाँ कुछ साधन है नहीं, खाने पीने के लाले पड़ गए, तो उसने सोचा कि पास में एक शहर है वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ कुछ संभावना देखता हूँ कि कुछ व्यवस्था हो जाए रोजगार की, तो इन सबको भी बुला लूँगा। तो वो पास के शहर में पहुँचा, जैसे ही पहुँचा वहाँ भीड़ लगी हुई थी और भीड़ में वो जाके शामिल हो गया, शायद कोई भंडारा वगैरह हो रहा है, कोई प्रसाद मिल जाए, भूखा तो था ही। जैसे ही भीड़ में शामिल हुआ, एक टोपी आई उसके सिर पे गिरी और लोगों ने उसको उठा लिया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, उसको ले चले राजमहल की ओर। तो वो बड़ा बेचारा चिल्लाया, शर्माया, कुछ मसाया कि भाई मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ, तुम्हें गलती लग रही है, मैं तो गांव से आया हूँ, ये है। उसने सारी कथा कहनी चाहिए लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं, उसको ले गए राजमहल में, नहलाया धुलाया, सिंहासन पर बिठा दिया। कहते महाराज हमें बात सारी आपकी समझ आ रही है, लेकिन अब आप हमारी बात समझो कि हम लोग हर 5 साल में ऐसे ही चुनाव करते हैं, एक टोपी उछालते हैं, जिसके सिर पे पड़ती है वो यहाँ का राजा हो जाता है, तो आप हमारे राजा चुन ली गए 5 साल के लिए, अब आप आनंद से राजपाट चलाइए। अब वो रात हुई और उनको पहुँचा दिया गया राजमहल में, बड़ा मखमल गद्दा बिस्तरा, लेकिन उसको बेचारे को नींद कहाँ कि राजा तो बन गया। अब वो जैसे ही बाहर झांकने के लिए निकला तो दरबान ने उसे पूछा कि महाराज की जय हो, क्या आज्ञा है, क्या चाहिए। कहते मेरे से जो पहले वाले महाराज हैं वो कौन से कमरे में हैं। कहते वो तो यहाँ नहीं रहते। तो उससे पहले वाले वो भी यहाँ नहीं रहते, कहाँ हैं। कहते वो सुबह मंत्री बताएंगे, छोटा करता हूँ। तो सुबह मंत्री से उसने पूछा कि भाई मेरे से पहले वाले राजा कहाँ हैं। कहते उसकी आप चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं है, तो मैं राजपाट किस से मेरे को सलाह मशवरा करना, हम बताएंगे आपको, आप चलाओ। अब उसकी जो है उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि पहले राजा तो कोई नज़र आ नहीं रहा, तो पहले वाला, उससे पहले वाला। तो बार बार पूछने पे मंत्रियों ने उसको बताया कि हमारे यहाँ का नियम है कि आप 5 साल राज कीजिए, हम चुनते हैं राजा, और उसके बाद 5 साल बाद वो जो नदी है ना बड़ी वाली, उसकी परली तरफ छोड़ आते हैं उसको। तो राजा वहाँ क्या करते है? कहते उधर तो जंगल है। तो राजा वहाँ क्या करता है? राजा पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, शेर चीते बहुत हैं, वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अब उसके बेचारे के जो प्राण हैं वो गले में आ गए कि ये राजा बना कि मृत्यु के मैं उस मुँह में चला गया, कि अब मैं 5 साल बाद उधर छोड़ ही दिया जाऊंगा।
लेकिन वो पहले साल तो बेचारा उसका बड़ा मुश्किल से निकला और खाना पीना बंद हो गया, भूख प्यास बंद हो गई, बेचारा कमज़ोर सा हो गया, बिल्कुल मरियल सा हो गया। दूसरे साल उसको कोई ऐसे हमारे महाराज जी जैसे साधु मिल गए, संत मिल गए, तो उन्होंने उसको रास्ता बताया। अब उसको रास्ता जब समझ आ गया तो वो थोड़ा ठीक होने लग गया। दो साल बीत गए, तीसरे साल में स्वस्थ हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। चौथे साल में वो बड़ा नाच गाना करवाने लगा। पाँचवें साल में बड़ा आनंदित रहे और बार बार पूछे से बाकी कितने दिन रह गए भाई, बाकी कितने दिन रह गए, बाकी कितने दिन रह गए। अब जो मंत्री थे वो परेशान हो गए, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि पहले तो जितने राजा होते थे पहले दो तीन साल बड़ी मौज लेते थे, चौथे साल में खाना पीना बंद होता था, पाँचवें साल बीमार होते थे और लास्ट में उनको बांध बूंद के किसी तरीके पर तरफ फेंक आते थे। अब वो पूछ रहे उससे कि भाई ये उल्टा चक्र चल रहा है, आपके साथ ऐसा कैसा हुआ, पहले वाले राजाओं के साथ तो ऐसा होता था। अब वो बार बार उससे पूछे, कहता भाई आखिरी दिन बताऊंगा। अब आखिरी दिन भी आ गया। अब उसको राजा को वो सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके आ गया, भाई चलो बोट में बैठो। अब वो जो सारे उनके मंत्री थे वो सारे उनके चरणों में पड़ गए, महाराज अब तो बता दो। कहते बैठो नाव में, बैठो बताऊँगा। नाव में बैठ गए, उनकी जिज्ञासा का पारावार नहीं। जैसे ही बीच धारा में पहुंची नाव, कहते महाराज अब तो बता दो। कहते सुनो, जिस दिन तुमने मेरे को बताया था ना कि पाँच साल भर मेरे को जंगल में छोड़ दोगे, मेरे प्राण सूख गए थे, मेरी भूख प्यास बंद हो गई थी, लेकिन मैं एक साधु से मिला, उन्होंने मेरे को रास्ता सुझाया, उन्होंने बताया कि तेरे पास जो ये खजाना है ना इसका क्या करना है, तेरे अधिकार में आज जो वस्तु है उसको कैसे उपयोग करेगा तब तेरा कल्याण होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा राजकोष मेरा था, मैं मेरे अधिकार में था, मैंने अपने गांव वालों को बुलाया, उनको बहुत सारा धन दिया, उनको रोज धन देता रहा। वो परली तरफ गए, उनको आदेश दिया कि जंगल काटो और उधर एक नए नगर का निर्माण करो। तो एक नया नगर जो है मैंने परली तरफ जहाँ जंगल था वहाँ नया नगर का निर्माण कर दिया और अब मैं वहाँ जाके राज करूँगा। अब उन्होंने जैसे ही देखा वो परली तरफ तो लोग खड़े नदी किनारे परली तरफ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, और इधर भी हो रही थी महाराज की जय हो, कैसे खुशी खुशी जा रहे हैं, उधर भी जय जयकार हो रही है कि लो जी महाराज आ रहे हैं। कथा तो हो गई खत्म, हमें क्या मिला, इसमें शिक्षा क्या है? महाराज ने हमें एक साधन बताया, बताया ना, हमारे पास खजाना कौन सा है, ये सांस रूपी खजाना है जो लिमिटेड है, इसको अगर हमने खर्च कर दिया आज मौज मस्ती में, टीवी में, खाने पीने में, घर बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में, इसमें खर्च कर दिया तो लास्ट में लोग क्या करेंगे, जो मंत्री हमारे वो बांध बूंद के परली तरफ फेंक आएंगे, ज़बरदस्ती फेंक दिए जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और अगर हमने इन सांसों का इस्तेमाल सदुपयोग परली तरफ महल बनाने के लिए किया, वो मार्ग हमने अपना प्रशस्त किया, तो फिर क्या होगा, यहाँ भी जय जयकार होगी कि देखो मनाते हैं ना हम तिरुभाव भी मनाते हैं कैसे उल्लास के साथ कि हमारे भाई लोग जो है वो कहाँ गए, वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, कैसे उनकी जय जयकार होती है, क्यों, उन्होंने अपने साधन को, अपने सांसों को, अपने उस खजाने को जो भगवान ने हमें लिमिटेड दिया है उसको उन्होंने सदुपयोग किया। अगर हमने इसको निंदा चुगली इधर उधर की बातों में, अनर्गल बातों में इसको खर्च कर दिया तो कल्याण नहीं। और इसको अगर हमने हरिनाम में, जो महाराज ने दिया हरिनाम दिया सबको कि नहीं, ले लीजिए, ये मौका बड़ा अच्छा है आपके पास, यहाँ आए हुए हैं, नहीं तो मैंने देखा लोग भटकते रहते कहाँ कहाँ जाते हैं। हरिनाम लेके उसका अपनी सांसों का सदुपयोग करके उसको अपने आगे का जो हमारा व्यवस्था है उसमें खर्च करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। सीधा सीधा लंदन से ही आ गए। हाँ, लंदन से तो यहीं आ गया, तभी गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा मेरे को। देखो संक्षेप में बात अपनी कहनी है, जीवन का समय भी कम है और घड़ी का समय भी कम है। शास्त्र कहता है निश्वास न विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तन करियो बाल्यात हरे नाम एव केवलम। जगत में हर चीज का भरोसा है, है? कोई अपनों का भरोसा करता है, कोई धन का भरोसा करता है, किसी को अपनी विद्या का बल है, पर एक चीज का भरोसा किसी को नहीं है, किस चीज का, श्वास का।
कह रहे हैं श्वास न विश्वास हो, श्वास का भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? कदा रुद्धो भविष्यति, ये कब रुक जाएगी, कब श्वास लेंगे भीतर, कब बाहर आएगी, इसकी कोई गारंटी कोई देता नहीं। तो क्या करें? तो प्रहलाद जी ने कहा कीर्तनो करो बाल्याद, बाल्यकाल से ही भजन करना शुरू कर दो, प्राय 5 वर्ष की उम्र से भजन करना शुरू कर दो। पर समस्या क्या है, 5 के आगे 0 भी लग जाए तो भी सोच रहे होते हैं करें कि ना करें, हैं? क्यों? ये निश्चिंता है ना हमारी कि हम निश्चिंत बैठे हैं, कल कर लें कल कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारी अल्प बुद्धि का परिचय है। हमारी बुद्धि विकसित नहीं है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि हम लोग भारत में जन्मे हैं जिसके विषय में शास्त्र कहता है कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, देवतागण कह रहे हैं हमें कहाँ भारत में जन्म दे दो, यत्र नारायण पाद पंकजः। क्यों? क्योंकि देवलोक में भी श्री भगवान की स्मृति नहीं है, भगवान की स्मृति नहीं है वहां पर। तो हम लोग अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि की रज से हमारा जन्म हुआ है, जहां पर आस्था विश्वास भगवान के प्रति श्रद्धा स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त है। इसके लिए कोई भरसक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, एक छोटे से बालक को भी बोलो भगवान है तो वो मान जाता है, प्रश्न नहीं करता, तर्क नहीं कर रहा है। ये यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वायु में, यहाँ पर भजन करने वाले साधुओं का प्रभाव है। तो हम धन्याति धन्य हैं, अत्यंत अत्यंत सौभाग्यवान हैं कि हम लोग यहाँ पर जन्म लिए। और उसमें भी सूतम पाप परानिधेर, भागवत जी में स्पष्ट रूप से कह दिया गया भारत भूमि जन्म प्राप्य नायय, जिसने भारत भूमि में जन्म लिया और उसने जीवन में एक शुद्ध वैष्णव के निकट रह करके भागवत कथा को नहीं सुना, तो उसका जन्म क्या है? ऐसा जैसे उस व्यक्ति ने अपनी ही आत्मा का हनन, अपनी आत्मा की हत्या कर दी। तो एक तो हमें जन्म मिल गया, दूसरा कहाँ मिल गया? भारत में। थोड़ी सी मिट्टी है कोई बात नहीं, पर काम चला लेंगे, हैं? और तीसरा क्या? भागवत जी भी मिल गई। अब जो थोड़ा बहुत बाकी, थोड़ी बहुत कृपा बाकी जो करनी है ना, वो हमें स्वयं पर करनी है। महाराज जी कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, वो तो आ गए, समझा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। अब जो थोड़ी बहुत कृपा करनी है वो किसको करनी है? हमें स्वयं पर अपने आप करनी है। और उस कृपा का आरंभ क्या है कि हम लोग भागवत जी से उस वस्तु को लेकर के जाएं जिससे भागवत का महोत्सव केवल बाहर तक सीमित ना रहे, उस महोत्सव की हमें आंतरिक उपलब्धि हो जाए। ये जो उत्सव अभी बाहर हो रहा है, इस बाहर के उत्सव का वास्तविक शुभारंभ हमारे हमारे मन के भीतर हो। और वो आरंभ कैसे होगा? जैसे हमारे प्रभु जी ने भी कहा, श्री नाम के माध्यम से। नाम ही सर्वोपरि संपत्ति है, नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को निहित किया हुआ है। श्री भगवान ही स्वयं नाम है। और ये कहा जाए कि नाम जो है वो नामी से अधिक करुणामय है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो आप सब लोग पिछले 4 दिन से भागवत जी को सुन रहे हैं, अभी 3 दिन और हैं, पर इसका मूल क्या है, इसका सार क्या है, हम कैसे अपने जीवन में भागवत को उतारेंगे, उसका एकमात्र जो उपदेश, एकमात्र जो लक्ष्य जो बताया भागवत ने, वो है श्री भगवान का नाम। महाराज जी यहाँ पर आए हैं, साधु को हम क्या देंगे, साधु को क्या दे सकते हैं? साधु अपने आप में पूर्ण होता है? वो धन पैसा इस चीज के लिए जाता नहीं, क्या फायदा उसको? वो ये नहीं कि मेरे को बहुत सारे लोग माने, मेरा बहुत बड़ा ये हो जाए वो हो जाए। उसकी मूल इच्छा क्या होती है कि इतना बड़ा अवसर ये मनुष्य जाति चूक ना जाए, इसलिए ही बार बार कहता है कि अपने जीवन में आप भगवान के नाम को धारण करिए, सदाचरण से अपने जीवन को व्यतीत करिए और धीरे धीरे अपने जीवन को ही भक्तिमय बनाइए। तो महाराज जी अभी यहाँ पर जिस जिस के हृदय में कुछ कुछ आशा का अंकुर, आशा का बीज हुआ है कि हमें अपने जीवन को भक्तिमय बनाना चाहिए। और कल कुछ माताएं भी आई थी हमें, अभी हमारे प्रभु जी बता रहे थे, वो पूछ रही थी कि नाम जो है वह उसको ग्रहण करने की पद्धति क्या है, क्या उसको केवल सुबह स्नान करने के बाद ही ले सकते हैं, क्या उसको चलते फिरते भी ले सकते हैं, उसकी क्या क्या विधि है। वैसे तो कोई विशेष विधि नहीं है, पर जिस जिसके हृदय में भी श्री भगवान का नाम करने की इच्छा है, अभी महाराज जी कीर्तन के पश्चात ही व्यासपीठ से ही जो हरिनाम की जो माला है वो माला प्रदान करेंगे। तो जिस जिसके हृदय में भी कुछ कुछ इच्छा, देखो ये इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, अभी बाहर जा करके माया का प्रभाव पड़ेगा, क्या बोलेगी, अभी नहीं, थोड़ा और विलंब कर लो। पर ये याद रखना, ये जो अवसर अब मिल रहा है, ये अवसर पुनः मिले ना मिले, इसलिए अवसर से हम लोग वंचित ना हो जाएं। अभी व्यासपीठ से महाराज जी जो है अभी जो हरिनाम की माला है वो प्रदान करेंगे। जो जो थोड़ा बहुत भी उत्साहित हुआ है, अपने उस उत्साह को बना करके रख करके अपने जीवन को कृष्णमय बनाने के लिए अवश्य ही आप
महाराज जी के निकट आकर के शरीर नाम की माला को स्वीकार सकते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। नहीं वो सब लोग सोचते हैं माला क्यों ले महाराज जी से, हम तो खुद ही कर सकते हैं, वही तो नाम है हरे कृष्ण महाराज से लेकर क्या फायदा हो जाएगा, नाम तो वही है। एक बार ना एक आदमी सोचता है थोड़ा योगा करूं, तो वो एक सीढ़ी ले आया, बोलते गुरु धारण कर लिया अगर तो गुरु जी के तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, हमको गुरु गुरु नहीं चाहिए, आजकल तो यूट्यूब पे सब मिल जाता है। योगा की सीढ़ी ले आया, लगाई सीढ़ी टीवी पर, बोलते यहाँ आराम से टीवी में सब सीखने को मिल रहा है, गुरु की क्या जरूरत है। सीढ़ी पत्नी को बोल दिया, देख मैं योगा कर रहा हूँ, तो खाना पीना बना के रखियो और योगा में तंग मत करियो, बीच बीच में आवाज आती रहेगी मेरी। मान गई सारी बात। अब इसने सीढ़ी चलाई, जो योगा सिखा रहे थे बोलते अब सांस अंदर लो, आंख बंद करके सांस अंदर लो, इसने आंख बंद करके, अब हो गई सीढ़ी वो अटक गई। एक गाड़ी हटा लीजिए, होंडा, होंडा सिटी, वाइट वाइट होंडा है, 6273 नंबर है, प्लीज हटा लीजिए, ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाहर। 6273 होंडा गाड़ी, वाइट कलर की, इसकी बैठा लीजिए। हाँ नहीं तो पुलिस को बुला लो। सीडी ने बोला श्वास अंदर लो, सीडी बेचारी अटक गई। अब इसने सांस जो अंदर लिया, अब वो टीवी में बोले छोड़े तो छोड़ेगा, अब तो ऐसे सांस ले रहा है, मुंह लाल हो गया, प्राण संकट हो गए, क्योंकि भाई वो बोलेगा छोड़ो तो छोड़ूंगा, क्योंकि उसको गुरु बनाया, अब प्राण ही ना छोड़े, सांस ही ना छोड़े। पत्नी ने कहा आवाज आनी बंद हो गई, क्या बात है, दरवाजा खोलकर अंदर आई तो बस अभी मरा और अभी मरा, बोलते अरे सांस छोड़ो श्वास छोड़ो। तो पत्नी समझ गई और मारा सीढ़ी पर एक दो हाथ, तो बोलते श्वास छोड़ो, बोलते आज तो प्राण बच गए हैं, आज तो प्राण बच गए, और दो तीन सेकंड अगर सीढ़ी ना चलती ना तो इसका तो योग पूरा योग हो जाता। इसलिए योग के लिए भी एक गुरु को धारण करना पड़ता है, ड्राइविंग सीखनी हो तो एक गुरु को धारण करना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी धारण करना पड़ता है, हर इसलिए अध्यात्म के लिए भी हाँ एक गुरु जी को धारण करके उनके सिखाए हुए मार्ग पर नाम लेकर चलने से पूरा पूरा उसका फल प्राप्त होता है। नहीं तो बात गई आई और गई, भागवत आई और गई, अच्छी हुई बहुत अच्छी हुई भागवत, भंडारा हुआ जी, बड़ा मजा आया, बड़ा नाच गान हुआ, बात खत्म, मेला खत्म। मेला समाप्त नहीं, अपने घर में उस मेले को बना के रखना है, उसको बरकरार रखना है। ऐसे यहाँ पर कितने भक्त हैं जो घर का काम काज करते हैं, बाहर जाकर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान का नाम भी करते हैं। आपके सामने है देखो, ये सारे भाई लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, क्या कमी है। विदेश से आए हुए लोग, वो एक बच्ची तो मॉरिशियस से कथा सुनने आई है, 4-5 दिन की, सिर्फ 5 दिन की कथा, वो छोटी सी बच्ची कथा सुनने आई है इतनी दूर से, 8 घंटे की फ्लाइट, 5 दिन कथा सुनने आई है। हमको ये दूसरे ब्लॉक से आने में संकट होता है, पता नहीं वहाँ कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एसी भी नहीं मिलेगा, लाइव सुन लेंगे। ये माता और इनकी बेटी ये जर्मनी से कथा सुनने आई है, बताओ इतनी दूर दूर से। ये हमारे विपिन प्रभु जो इन्होंने अभी कथा सुनाई, इनको अभी 1 हफ्ते बाद आना था, इनको लगा आज 4th दिन माखन मिश्री मिलेगा, भंडारा मिलेगा, आज ही टपक पड़े लंदन से, बोले कहीं वंचित ना हो जाऊं, अभी लंदन से सीधा यहीं पर आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, है ना। कहाँ इतनी दूर दूर से कथा,
और हम दूसरे ब्लॉक वाले सोचते हैं हाय क्या करना है वहाँ जाकर। भैया ये मेला है, इस मेले को हृदय में बसा के ले जाओ, इसको नाच गान करके यहीं पर ही समाप्त नहीं करो। और आज तो बड़ा सुंदर मेला है, आज तो नंद उत्सव है। बोलो नंद के लाला की जय। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना। फट जाएगा थोड़ा उससे पीछे के नीचे कर। ओ बड़े भागनी मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागनी मात यशोदा ऐसो सुत को जायो। आप पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने को दिखिलायो, पूरण ब्रह्म जगत को जगत को स्वामी तेने को दिखिलायो, पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने को दिखिलायो। ओ पकड़े बाबा दियो गरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा दियो गरिया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मैया झूले पलना, तेरो ललना मैया झूले पलना, हो तेरो ललना मैया झूले पलना, तेरो जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने को दिखिलायो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने को
गोद खिलाओ याकी नहीं है तुलना तेरो ललना याकी नहीं है तुलना तेरो ललना ओ चुग चुग थी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ चुग चुग थी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना री मैया झूले पलना लाला की बधाई है ठीक है क्या बोलना है
हाँ जोर से दोनों हाथ उठाइए झूम कर बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है लाल की बधाई है बधाई है बधाई है लाल की